यस मालिक, गुड इवनिंग। चलो सर, इसका प्लेलिस्ट रहेगा क्या कंप्लीट 100%? क्या? यस सर रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। यस वाले, गुड इवनिंग। यस, अगर आपको याद हो तो हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने सेक्शन 47 की सीरीज को खत्म किया। याद आ रहा है मालिक आपको? यस। और इसके बाद आज हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल गेन, जो कल 3 बज गए थे हमारे, यस, उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। यस, जिसके अंदर में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट भी है और जो इंपॉर्टेंट भी है। इनमें से सबसे पहला मैं जो आज दिखाने जा रहा हूं, या आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट्स स्लम सेल सेक्शन 50B, पेज नंबर 20 पे आइए जल्दी से। पेज नंबर 20 पे आइए, स्लम सेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे मालिक? स्लम सेल। अभी स्लम सेल मतलब क्या होता है और इसमें क्या बदलाव आए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। स्लम सेल सेक्शन 50B क्या कहता है? ये एक ऐसी चीज है जो फाइनल लेवल पे, ये एक ऐसा सेक्शन है जो फाइनल लेवल पे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मतलब 50B इज अमंग्स द फेवरेट सेक्शन व्हिच अ एग्जामिनर आस्क। ये सुनो, इसका कुछ रीसेंट एग्जांपल है सर। 50B स्लम सेल, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय स्लम सेल? स्लम सेल का मतलब होता है लमसम सेल। अगर आप असेट उठा करके, आप पूरा डिवीजन, पूरा यूनिट उठा करके एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप इसे कहते हैं स्लम सेल। अंडरस्टैंड कीजिए, सपोज कर लीजिए ये क्लास किसी और का था, यस राइट, और हमने उनसे क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। हमने उन्हें बोला एज इज व्हाट इज बेसिस पे दे दे। क्या बोला बेटा हमने? एज इज व्हाट इज बेसिस पे तू हमें दे दे। ये एज इज व्हाट इज बेसिस क्या होता है कि भैया जो है एज इट इज हमको क्या कर दे, तू प्रोवाइड कर दे। एज इट इज हमको प्रोवाइड कर दे, मतलब विदाउट वैल्यूइंग फॉर बेंच के लिए कितना, टीवी के लिए कितना, फ्रिज के लिए कितना, कैमरे के लिए कितना, एटसेट्रा। ये पूरा एज इट इज सिंगल कंसिडरेशन बोल ट्रांसफर कर दे। हमको ये एज इज व्हाट इज बेसिस पे चाहिए। तो अगर कोई यूनिट इस तरीके से ट्रांसफर कर देता है, अगर कोई क्या करता है बेटा, यूनिट इस तरीके से ट्रांसफर कर देता है, तो हम इस कंसेप्ट को कहते हैं स्लम सेल, दैट इज लम सम सेल। क्लियर है? अब यहां पे कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म हो, कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, कुछ एसेट हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म हो। यहां पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता ही नहीं, क्योंकि हम इंडिविजुअल एसेट्स को वैल्यू ही नहीं करते। हम क्या करते हैं? सीधा कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हैं। ऐसा क्या हिंदुस्तान में रिसेंटली हुआ है? हुआ है बिग बाजार रिलायंस, रिलायंस टेकन बिग बाजार अंडर द स्लम सेल, 24,000 करोड़। यस, तो रिलायंस ने क्या किया, बिग बाजार को एक्वायर कर लिया अंदर द स्लम सेल। तो अब इसका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है, इसका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है? अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया था, फाइनेंस एक्ट 2021 में इसके अंदर में अमेंडमेंट आया था। फाइनेंस एक्ट 2021 में इसके अंदर में अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से था, ध्यान से सुनिए। सेक्शन 50B स्लम सेल। अभी स्लम सेल किस तरीके से वर्क करता था? प्रायर टू 1/4/2021 हम नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ करते थे। हम नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ करते थे, तो क्या राइज होता था? कैपिटल गेन। सो प्रायर टू 1/4/2014 स्लम सेल का जो कंप्यूटेशन था वो नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ पे होता था। ऑन और आफ्टर 1/4/2021 इसका कंप्यूटेशन बदल गया। और पहले बदलने के पीछे का लॉजिक समझ लो तो तुमको गेम समझ में आ जाएगा। लॉजिक ये होता था कि लोग इस पे कैपिटल गेन टैक्स अवॉइड करते थे। कैसे? क्योंकि यहां पे कंप्यूटेशन के वक्त क्या लिखा है, नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। यस, तो मान लीजिए बिग बाजार ने क्या किया, रिलायंस को अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, तो वो क्या कंप्यूटेशन कर रहे थे, कंप्यूटेशन कर रहे थे नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। आपको नहीं लगता इसमें टैक्स प्लानिंग की 100% चांसेस है? सर कैसे चांसेस है? क्यों बेटा, हो सकता है मार्केट वैल्यू उस असेट का 100 करोड़ हो और उसको ट्रांसफर जो किया गया हो ये 40 करोड़ में किया गया हो। अब टैक्स जो लगेगा ये तो 40 करोड़ पे लगेगा, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, नेट कंसिडरेशन। बात समझ में आ रही सभी को? हाँ या ना? वर्ड क्या लिखा था, नेट कंसिडरेशन। इस चक्कर में क्या होता था, लोग कई चीजें
कम कर देते थे वैल्यू, जिसका भले ही फेयर मार्केट वैल्यू हाई हो, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू हाई हो, इसका कंसिडरेशन कम बता करके टैक्स बता देते थे। दूसरी चीज गुडविल वैल्यूएशन। कई असेट ऐसे थे जिनका वैल्यूएशन के लिए आप पेमेंट तो करते थे पर नेट कंसिडरेशन में इसे काउंट नहीं करते थे। जैसे जैसे आपने गुडविल का पेमेंट किया, राइट, अब इसका आपने वैल्यू कैसे असर्टन किया, इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं था। इस चीज सबको हटाते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने का। इन्होंने कहा नेट कंसिडरेशन की जगह यूज करो फेयर मार्केट वैल्यू, जो क्या किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा इन प्रिस्क्राइब मैनर, इसमें से आप क्या माइनस करो, नेटवर्थ माइनस करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्या बदला और ये क्यों बदला, क्योंकि होता यह था किसी चीज का मार्केट वैल्यू ज्यादा है कंसिडरेशन कम है, किसी चीज का कंसिडरेशन ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है। तो टैक्सेशन लॉ के हिसाब से तो कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेना मोर सेंसिबल है रादर देन सिर्फ कंसिडरेशन लेना। डोंट यू थिंक सो? यस और नो? तो सरकार ने बस यही बदल दिया कि भैया अब हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस नेटवर्थ आपका क्या बनेगा, कैपिटल गेन। तो अब पुराना वाला याद रख के कोई मतलब नहीं है, नया घड़ी नया राज। कैसे याद रखना है अब आपको, स्लम सेल कैसे कंप्यूट किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस नेटवर्थ। कैसे कंप्यूट किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस नेटवर्थ। क्लियर है मालिक? चलिए जाते हैं, क्या हम इंडिविजुअल असेट्स को वैल्यू कर रहे हैं, द आंसर इज नो। क्या हम इंडिविजुअल असेट्स को वैल्यू कर रहे हैं, द आंसर इज नो। तो कैपिटल गेन का नेचर क्या रहेगा, क्योंकि देखिए इस क्लास के अंदर में कुछ असेट लॉन्ग टर्म होंगे, कुछ असेट शॉर्ट टर्म होंगे। हो सकता है एसी शॉर्ट टर्म हो, बेंच लॉन्ग टर्म हो, ये तो होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है ना। अब हमने तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग किया ही नहीं, हमने तो बोला ये काम कर 25 लाख रुपए पकड़, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। अब नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्या लगता है आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म? फेयर ओपिनियन, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मतलब प्रोपोर्शनेट होगा लॉन्ग कितने है शॉर्ट कितने है? नहीं, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, डिपेंड अपॉन होल्डिंग पीरियड। पर जब हम इंडिविजुअल असेट्स को वैल्यू ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे कंप्यूटेशन होगा? ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं आप क्यों रुके, आप जवाब दीजिए, जवाब आप देंगे तभी तो काम होगा भाई साहब। एब्सोल्युटली करेक्ट, हम इंडिविजुअल असेट्स को वैल्यू नहीं कर रहे तो इसमें नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हम डिपेंड करेंगे जिस यूनिट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे अगर आप फ्यूचर ग्रुप देखें, फ्यूचर ग्रुप के बहुत सारे बिजनेस है, फ्यूचर इंश्योरेंस में भी है, उसमें का बिग बाजार ट्रांसफर हुआ तो जो यूनिट ट्रांसफर हुआ वो कहां से आपने होल्ड करके रखा था, वहां से हम क्या कंसिडर करेंगे, बोलो बेटा वहां से हम क्या कंसिडर करेंगे, नेचर ऑफ कैपिटल गेन। Nature of capital gain. तो उसका asset से हम दिमाग नहीं लगा रहे, वो unit कब से चालू किया था, sale लेकर कब तक transfer हो रहा है, उस basis पर हम decide करेंगे ये long term है या short term। समझ में आ रही बात? अच्छा जी सर, आपने बोला fair market value निकालना है, आपने कहा fair market value निकालना है, उसमें से net worth minus करना है। सर net worth कैसे निकालते हैं? Net worth का मतलब होता है total assets minus liability, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी। व्हेन यू कंसिडर लाइबिलिटी इट मींस अदर देन कैपिटल एंड रिजर्व्स, ऑब्वियसली हम वही लाइबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं। लाइबिलिटी भी उतनी जो उस यूनिट से रिलेटेड होगी, क्योंकि आप सोच के देखिए एक बैलेंस शीट बनेगी, ये तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी, हो सकता है यूनिट के मल्टीपल क्या हो, यूनिट्स हो, तो हम क्या करेंगे सिर्फ उसी यूनिट से रिलेटेड लाइबिलिटी माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर, सर असेट्स आप लेंगे, असेट्स मतलब जाहिर सी बात है जब स्लम सेल आएगा मतलब आपको बैलेंस शीट दी होगी प्रॉब्लम में, क्योंकि नेटवर्थ का कंप्यूटेशन तभी हो सकता है जब बैलेंस शीट दिए। तो एक बात दिमाग में सेट रखना, जब भी स्लम सेल का प्रॉब्लम आएगा आपको बैलेंस शीट प्रॉब्लम में दी होगी। पर ये बैलेंस शीट से घबराना मत, एफआर का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन डीटी का ही है, क्वेश्चन एफआर का नहीं है, क्वेश्चन डीटी का ही है। अब टोटल असेट्स में क्या कंसिडर होगा, देखिए सर एक बैलेंस शीट को इमेजिन कीजिए, आइए मेरे साथ ये बैलेंस शीट इमेजिन कीजिए। यस, इस साइड असेट पड़े हुए पूरे, राइट, असेट्स के अंदर में सबसे पहले कुछ असेट डेप्रिसिएबल असेट होंगे। अरे हाँ, तो डेप्रिसिएबल असेट्स को आप किस वैल्यू पे लेते हो, डेप्रिसिएबल असेट्स हैज टू बी टेकन ऑन WDV, बेसिक रूल। यस, कुछ होंगे अदर असेट्स, जो असेट्स डेप्रिसिएबल नहीं है
अदर एसेट्स को आपको बुक वैल्यू पे कंसिडर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कैश इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट, तो जितना वैल्यू रिकॉर्डेड था वो वैल्यू आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. सो जब आप टोटल एसेट्स लेते रहेंगे, डेप्रिसिएबल एसेट्स हैज टू बी टेकन ऑन WDV, अदर असेट्स हैज टू बी टेकन ऑन बुक वैल्यू. अब कई असेट ऐसे भी होंगे, जरा सोच के देखिएगा, कई असेट बैलेंस शीट में ऐसे भी तो होंगे जिसको इनकम टैक्स का डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका होगा. सोच के देखो, हो सकता है ना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई असेट एक्वायर किया, एकदम सिंपल एग्जांपल, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई असेट एक्वायर किया, अकाउंट्स के हिसाब से तो आप उसको वैल्यू दिखा ही रहे हो असेट के अंदर में, लेकिन इनकम टैक्स में उसका वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो जीरो. अरे एवरीबॉडी, क्योंकि उसका आपने डिडक्शन ले लिया. तो जिस असेट का, जिन असेट्स का होल कॉस्ट कैसे मिल चुका है, डिडक्शन बोल करके मिल चुका है, इनका भी वैल्यू क्या पकड़ना पड़ेगा, इसका वैल्यू क्या पकड़ना पड़ेगा आपको, निल. यस, चलिए कुछ और याद दिलाता हूं आपको. अगर आपको याद हो तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसका वैल्यू निल पकड़ना होगा. यस, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी वैल्यू आप क्या पकड़ेंगे मालिक, निल. ये सुनो, सो लाइबिलिटी शेल एक्सक्लूड, बोलो बेटा, कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, अदर लाइबिलिटी नॉट रिलेटेड टू यूनिट, अदर लाइबिलिटी नॉट रिलेटेड टू यूनिट. इज दिस डन? चलिए आ जाइए. तो अब स्लम सेल का कंपटीशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस नेटवर्थ. नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. टोटल एसेट्स के अंदर में क्या लेंगे, डेप्रिसिएबल एसेट्स एट WDV, अदर एसेट्स एट, बोलो ना बेटा, बुक वैल्यू, जिसका होल कॉस्ट अलाउड इज रिडक्शन, निल. सेल्फ जनरेटेड असेट्स का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, निल. यस, बट इसमें से क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, कैपिटल एसेट, कैपिटल एक्सक्लूड किया जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और जो इस यूनिट की लाइबिलिटी नहीं है वो आप एक्सक्लूड कर दोगे. यस और नो? अच्छा जी सर, अब ध्यान से सुनिएगा सर. सर मान लीजिए अगर नेटवर्थ ही निगेटिव हो गया तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. ऐसे यूनिट्स जो लॉस मेकिंग रहे उसमें लाइबिलिटी ज्यादा और असेट कम हो जाएंगे. अगर नेटवर्थ ही निगेटिव रहा तो क्या माइनस करोगे, अगर नेटवर्थ ही निगेटिव रहा तो क्या माइनस करोगे, अगर नेटवर्थ निगेटिव हो गया तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाता है, निल, दैट इज जीरो. निल दैट इज जीरो. और ऐसा हेल्ड किया था जुआरी इंडस्ट्रीज के केस में. इफ नेटवर्थ इज निगेटिव इट इज टेकन इक्वल टू जीरो और सेल कंसिडरेशन ही आपका कैपिटल गेन बन जाएगा. जुआरी इंडस्ट्रीज मुंबई जजमेंट. यस, केस लॉ याद नहीं रखना, कंसेप्ट याद रखो. यस, अच्छा जी, सो इफ नेटवर्थ इज निगेटिव, हम नेटवर्थ को ही क्या कंसिडर कर लेंगे, जीरो, दैट इज निल. क्लियर है मालिक? अच्छा जी, गेन इज लॉन्ग टर्म इफ यूनिट इज हेल्ड फॉर मोर देन 3 ईयर्स. अब तक जितना पड़ा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं क्योंकि हम सीधा नेटवर्थ माइनस कर रहे. अब हो सकता है जो कोई असेट है ये असेट रिवैल्यू भी किया गया हो, हाँ या ना? यस, हो सकता है कोई असेट से ये असेट रिवैल्यू भी किया गया हो. अगर असेट रिवैल्यू भी किया गया है तो इसे क्या किया जाता है, इग्नोर. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, बिल्डिंग को आपने रिवैल्यू किया 10 to 12 लाख. अब बिल्डिंग रिवैल्यूएशन होगा तो जरा एक बार जर्नल एंट्री पास करो. बिल्डिंग रिवैल्यूएशन होगा मालिक, चलो जल्दी से जर्नल एंट्री पास करो. बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हुआ तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड में. जितने से इधर से असेट बढ़ रहा है तो उतने से इधर से लाइबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली रिजर्व्स एंड सरप्लस को एडजस्ट करना पड़ेगा. नाउ रिवैल्यू अगर हुआ होगा तो इसे टोटली क्या किया जाएगा, इग्नोर रिवैल्यूएशन, क्योंकि पूरे इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन कहीं पे भी कंसिडर होता नहीं. यस, अच्छा जी सर,
ये बच्चा है पूछ रहा है अरुण सर, वो एओपी में अगर कंपनी मेंबर रहे तो रेट कंपनी लगेगी क्या? आंसर इज यस, उसी की लगेगी, आगे आएगा एओपी टैक्सेशन, वहां देखेंगे। अभी कैपिटल गेन पे फोकस करो बेटा, ठीक है। सो असेट्स अगर रिवैल्यू किया होगा तो इसे क्या करेंगे बेटा? इग्नोर। इसे क्या करेंगे बेटा? इग्नोर, ठीक है। अच्छा एक और चीज पे आते हैं सर। इधर आओ, इधर आओ वापस नोट्स में। डेप्रिसिएबल एसेट WDV, अदर एसेट बुक वैल्यू 100%, जिसका डिडक्शन मिला है नील। सेल्फ जनरेटेड का भी क्या मिलेगा? नील। क्लियर है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज टोटली इग्नोर्ड, बराबर। अब ध्यान से सुनना, आप सभी को पता है 1/4/2021 के बाद यहां पे नेट कंसिडरेशन की जगह फेयर मार्केट वैल्यू आ गया था, और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है इस उन्होंने कहा हम लुल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? लुल लेके आएंगे कि इसका कैसे निकालना है। यस, अब आइए ध्यान से सुनते, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है, इसके लिए उन्होंने एक लुल लेके आए, 11 UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है इसके लिए रूल लेके आए। क्या आप जानते हैं ये रूल क्या है? ये रूल कहता है FMV1 और FMV2, विच एवर इज हायर विल बिकेम FMV फॉर द पर्पज ऑफ 50B। फेयर मार्केट वैल्यू वन, फेयर मार्केट वैल्यू टू, दोनों में से जो हायर रहे उसको फेयर मार्केट वैल्यू मानेंगे। अब आप ये पूछेंगे ये फेयर मार्केट वैल्यू वन का मतलब क्या है? अरे बड़ा सिंपल है सर, A+B+C+D-L। और फेयर मार्केट वैल्यू टू मतलब E+F+G+H। सर ये क्या है? यही उन्होंने दिया है। यस, यही उन्होंने दिया है। सर ये मतलब, ये ए मतलब क्या, बी मतलब क्या, सी मतलब क्या, डी मतलब क्या? एक बात बोलू क्या? पॉइंट नंबर वन, फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉब्लम में दिया रहेगा। सर तुम्हें पढ़ा क्यों रहे? जिम्मेदारी, बिकॉज आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। यू शुड ऑलवेज हैव ट्रस्ट इशू, यू शुड ऑलवेज हैव ट्रस्ट इशू, क्योंकि ये आपको ग्रुप वन के ऑडिट में सिखाया गया है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मैं मेरे को बोलते नहीं जानता, मैं हर बार गलत बोल देता हूँ यहाँ पे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, ये कहता है कि भैया ये कैसे निकाला जाता है। इसको एक सिंपल शब्दों में समझाऊँ आपको, एकदम सिंपल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्द ये है, इसका मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू, इसका मतलब है कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर बिकेम फेयर मार्केट वैल्यू, जो मैं आपको शुरुआत में डिस्कशन किया था। मतलब आपको अगर बड़े सिंपल शब्दों में इसको समझना है, FMV1 मतलब चीजों का फेयर मार्केट वैल्यू, FMV2 मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो भी ऊपर है, क्योंकि पुराना लॉ बदला इसलिए था कि वो सिर्फ कंसिडरेशन ले रहा था, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं। अब नया लॉ क्या ला लिया? फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर, बस इतना ही है। समझ में आ रही बात? अब ये ABCD को हम पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ गया। FMV1 FMV2 का क्या है? FMV1 मतलब जो असेट्स आपको मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, FMV2 मतलब जो असेट्स आपको मिल रहा है उसका कंसिडरेशन, दोनों में से जो भी हायर रहे वही तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू बनेगा। अब उनके लिए उन्होंने इतने बड़े रूल निकाल दिए, ये देखो रूल, A+B+C+D-L, और इधर आकर के क्या कर रहे हो? E+F+G+H। सीधे शब्दों में ये लिखा जा सकता था, उन्होंने बोला कि सेल कंसिडरेशन को ही क्या मान लो, फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरे में उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए पूरी मेहनत करने लगाई। समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम हम भी लेंगे, ध्यान से सुनिए। तो FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर, ये आपका फेयर मार्केट वैल्यू बनेगा। अब FMV1 में वेयर ए का मतलब क्या है? देखिए, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, इनको छोड़ के बाकी जितने असेट है उनके बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल स्लम सेल में आपको क्या ट्रांसफर हुआ होगा? कैश ट्रांसफर हुआ होगा, डेटा ट्रांसफर हुआ होगा। ए मतलब उन सबका बुक वैल्यू, वो तो आप वैसे भी ले रहे थे। बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट अदर देन ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग एज रिड्यूस्ड बाय एनी इनकम टैक्स पेड इफ एनी लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, इन शॉर्ट द नेट इनकम टैक्स। सारे असेट, क्योंकि हो सकता है इनकम टैक्स का रिफंड कुछ आ रहा हो तो आपने उसके अकाउंट्स में असेट साइड में लिख करके रखा होगा, तो उन्होंने बोला जब आप असेट्स लोगे तो सारे असेट लेना एक्सक्लूडिंग द इनकम टैक्स नेट रिफंड। अमाउंट शोन इन द असेट इंक्लूडिंग अन अमोर्टाइज अमाउंट ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ असेट। ऐसे खर्चे जो
असेट बोल करके दिख रहे हैं, ऐसे खर्चे जो असेट बोल करके दिख रहे हैं, डिफर्ड एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स की अकाउंटिंग एंट्री आप असेट साइड में करोगे बिकॉज इट्स पेड इन एडवांस नॉट ड्यू इन द करंट ईयर, पर दिखेंगे वो असेट साइड में। जो असेट है ही नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रूल, वो कहां दिख रहा है? असेट में दिख रहा है, वो भी आप क्या कर दोगे? एक्सक्लूड। इन शॉर्ट अदर असेट्स जो है इसमें से दो चीज एक्सक्लूड करनी, इनकम टैक्स का रिफंड। इसमें गवर्नमेंट लेना चाहेगी तो क्या लेगी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लो वैल्यू अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बींग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये सब कौन से दिन की लोग है? एज ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल, एज ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल। तो जल्दी आओ मेरे साथ, वट डू यू मीन बाय ए? ए इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स रिफंड, दूसरा डिफर्ड एक्सपेंसेस विच आर नॉट एसेट्स, बी ज्वेलरी फेयर मार्केट वैल्यू इट वुड गेट इन ओपन मार्केट, सी शेयर्स वैल्यू एज पर रूल 11UA, डी इमूवेबल प्रॉपर्टी FDV। ये इतना सिंपल है, इसको जबरदस्ती इतने वर्बोटेड वर्ड में डालने का कोई काम नहीं। देने भाई चलो जी, आ जाओ आगे। हाँ, इसमें से आपको नहीं लगता ये हो गया पूरा असेट साइड? आपको नहीं लगता ये हो गया पूरा असेट साइड? इसमें से माइनस करने बोल रहे एल। एल मतलब क्या होगा? लाइबिलिटी। तो सीधे शब्दों में तुम ये बोलो ना भैया, नेटवर्थ ही निकाल रहे हो तुम। यस, FMV1 फेयर मार्केट वैल्यू। आज अगर ये सब कुछ बेच दूं तो क्या मिलेगा? ज्वेलरी ओपन मार्केट में बेचूंगा, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स रहेगा, फॉर एग्जांपल कैश एंड डेटर्स बुक वैल्यू पे लिए जाएंगे। शेयर जो है ये लिस्टेड है अनलिस्टेड, उस हिसाब से उसका वैल्यू निकलेगा। डी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें से एल माइनस कर दे। एल का मतलब क्या है भैया? अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको पता है इस पे ना एक प्रॉब्लम देखा था मैंने, क्या किया था? आपको सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के भी हिसाब से दिया था और फेयर मार्केट वैल्यू भी दिए थे हर चीज के। याद रखिए ये सब एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है, लाइबिलिटी भी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट नॉट इंक्लूडिंग पेड अप कैपिटल। कैपिटल आप कवर नहीं करते। यस, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन प्रिफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, इन शॉर्ट प्रोविजन फॉर डिविडेंड। Reserves and surplus, even if the resulting figure is in negative, amount representing provision for taxes, amount representing provisions made for meeting the liability other than ascertained liability, other than ascertained liability बोल रहे हैं, मतलब provision for unascertained liability, any amount representing contingent liability other than arrears on dividend payable। सीधे शब्द मिल रही है, लाइबिलिटी एज पर बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रोविजन फॉर डिविडेंड टैक्सेस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अनअसर्टेंड लाइबिलिटी। इतना कॉम्प्लिकेट करके वो आपको देते नहीं, ये उन्होंने दे रखा है, पूरा रूल देना पड़ेगा उनको तो लॉ के हिसाब से। आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते,
फोन को सिखाया गया है बार बार प्यार देते रहना। यस चलो जी, ये समझ में आया। सर हम कहाँ हैं? जो लोग अभी जुड़े हैं ध्यान से सुनिए। स्लम सेल में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस नेटवर्थ आपका कैपिटल गेन बनता है। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूल 11 यूएई बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू FMV1 FMV2 व्हिचएवर इज हायर। FMV1 मतलब क्या होता है? सिंपली मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। यस, सिंपली मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। आप देख लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो, ज्वेलरी के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले रहे हो, शेयर्स के केस में करंट वैल्यू ले रहे हो, बाकी सब तो वैसे ही बुक वैल्यू पे आना है। तो वट एवर आर द मार्केट रियलाइजेबल वैल्यूज आप वो कंसिडर कर रहे हो, इसमें से क्या माइनस कर दोगे? लाइबिलिटी हटा दोगे। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? लाइबिलिटी माइनस कर दोगे, एक्सक्लूडिंग दिस थिंग। अच्छा जी सर, वॉट अबाउट ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच? ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच मतलब यही चीजें अगर मैंने मार्केट में बेची तो कंसिडरेशन के नाम पे क्या आ सकता? सीधे शब्दों में कंसिडरेशन। अच्छा, वैल्यू ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, एक्चुअल कंसिडरेशन आपका। यस, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? एक्चुअल कंसिडरेशन जो आपको मॉनेटरी मिला है, प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मतलब मान लीजिए आपको कोई एसेट मिला है, राइट? आपको असेट मिला है, कैश नहीं, इन टर्म्स ऑफ यू नो स्लम सेल। सोच के देखिए, स्लम सेल में जरूरी थोड़ी ना हर बार आपको कैश ही मिले। हो सकता है आपको कैश मिले प्लस रिलायंस कंपनी के शेयर्स मिले हो, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, है ना? इन कंसिडरेशन स्लम सेल में क्या किया होगा, इतना कंपनी के पास कैश नहीं रहता, तो कंपनी क्या करती है, एक काम करिए कैश पकड़ प्लस मेरे कंपनी के इतने वैल्यू के मार्केट वैल्यू के शेयर्स ले ले, काम खत्म। तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन अगर निकला होगा, राइट, तो उस केस में 11UA, अगर आप ध्यान से सुने, 11UA की बात कर रहे हैं वो। 11UA मतलब हम तो शेयर्स का ही एग्जांपल ले रहे थे, यस और नो? सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ शेयर्स वैल्यू एज पर 11UA, थर्ड प्राइस विच नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच वुड सेल इफ सोल्ड इन ओपन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी अगर होगी तो ज्वेलरी का क्या ले लो? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपको नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में मान लीजिए ज्वेलरी भी मिली है, अब ज्वेलरी का आप क्या ले लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू। फोर्थ, वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी जब वो क्या रहेगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, बोलिए सर, ई मतलब क्या रहेगा? जी सो FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर, भगवान से दुआ करो कि इतने कैलकुलेशन वाली चीज तुमको आए नहीं, सीधा फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया हो, राइट? नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, दो प्रॉब्लम है, मैं दोनों प्रॉब्लम ले रहा हूं, दो प्रॉब्लम है, मैं दोनों प्रॉब्लम ले रहा हूं, भले टाइम लगे पर आपको मजा आएगा क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ योर क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचो, रजिस्टर में जाइए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चनेयर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाइनल के मॉड्यूल में भी है और सेम क्वेश्चन उनने इंटर के मॉड्यूल में भी रखा हुआ है, सेम ही क्वेश्चन रखा हुआ है, इंटर के मॉड्यूल में भी रखा हुआ है। डन। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीड द प्रॉब्लम, रीड करो फटाफट। जल्दी से रीड करें।
डन विद द रीडिंग। डन हो गया रीडिंग। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम में टोटल कंसिडरेशन वर्ड लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम दिस टोटल कंसिडरेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू। लेट्स अज्यूम दैट दिस टोटल कंसिडरेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू विच इज गिवन। अब ये क्वेश्चन को अगर दिया जाएगा, इट्स अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यस। अब इस क्वेश्चन को दिया जाएगा तो यहां पे हो सकता है टोटल कंसिडरेशन के साथ साथ एक और लाइन जोड़ दे, फेयर मार्केट वैल्यू, इतना ही डिफरेंस आ सकता है। टोटल कंसिडरेशन इज दिस, वेयर इन फेयर मार्केट वैल्यू इज दिस। तो आपको सीधा सीधा फेयर मार्केट वैल्यू उठा लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए प्रोप्राइटर था, इन्होंने अपना यू नो ट्रांसफर किया है, जो भी यूनिट था, आई गेस यूनिट वन इज ट्रांसफर्ड, सी यस, यूनिट वन को ट्रांसफर किया है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 28,000 आया है, बराबर। तो सबसे पहले लिखिए फॉर ए असेसमेंट ईयर 23-24, यहां पे आता है कंप्यूटेशन, बराबर है। सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 25 लाख, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कितना दिया है बेटा 28,000, इज इट 24,72,000, सी यस। इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा, नेटवर्थ। इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा, नेटवर्थ। अब वर्किंग नोट नंबर वन बना करके आपको नहीं लगता आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर है। जब भी आपको बैलेंस शीट दी हो प्रॉब्लम के अंदर में और कैपिटल गेन से रिलेटेड हो, आपने दिमाग में दिमाग कुछ और डालना ही नहीं, सीधा क्वेश्चन आपको किस चीज का आया है, स्लम सेल, सेट कर लेना और डरना मत। अब हमें टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी निकालना है। पहला चीज दिख रही है हमको बिल्डिंग, नीचे इंफॉर्मेशन में बोला है रिवैल्यूएशन इज रिजर्व इज क्रिएटेड बाय अपवर्ड रिवाइजिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब आप बताइए यहां 12 लाख दिख रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बिल्डिंग से रिलेटेड है 3 लाख दिख रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख पकड़ू, 9 लाख पकड़ू या 12 लाख पकड़ू, 9 लाख। सो हियर बिल्डिंग 12 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम इसी को ही WDV कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट है। डेटर्स बुक वैल्यू पे लिए जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपीस पकड़ा जा सकता है। अदर एसेट्स 1 लाख रुपीस पकड़े जा सकते हैं, अदर देन पेटेंट्स। लास्ट में आता है आपका पेटेंट्स, लास्ट में आता है आपका पेटेंट्स। बराबर, पेटेंट्स के लिए एक और वर्किंग नोट लगेगा, पूछो क्यू नो इंडिविजुअल असेट्स हैज बीन वैल्यूड। साथ साथ में उन्होंने बोला है पेटेंट्स 2020 में एक्वायर किए थे लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं किया। पेटेंट्स कब एक्वायर किए थे, 2020 में एक्वायर किया था लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं किया, ठीक है सर, ठीक है सर। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर टू, पेटेंट्स 1/7/2020 को आपने क्या एक्वायर किया सर, पेटेंट्स एक्वायर किया 50,000, पर पेटेंट्स बीइंग इंटेंजिबल इज अ डेप्रिसिएबल असेट, यस। डेप्रिसिएशन रेट प्रॉब्लम में दिया नहीं है, कहीं से ला सकते हो 25% पीजीबीपी, यस। तो इसमें से माइनस किया डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% फॉर 2021, फिफ्टी थाउजेंड इंटू बोलो बेटा 25%, दैट्स 12,500, यस। WDV आ गया, WDV में से फिर आप माइनस करोगे 21-22 के लिए 25%,
डज दिस कम्स टू 28,125? इधर नोट डालो, नोट, पेटेंट इज अ डेप्रिसिएबल असेट, पेटेंट इज अ डेप्रिसिएबल असेट, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 25%. Rate of depreciation is 25%. बराबर. दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई मेरे से सवाल पूछे, सर एक साथ 2020 को असेट लिया था तो उस साल का डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट लेना चाहिए. आप भूल रहे पीजीबीपी, कोई असेट अगर एक्वायर किया और 180 दिन से ज्यादा यूज किया, फुल डेप्रिसिएशन. समझ में आ रही बात? तो हम प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट नहीं करेंगे. समझ में आई बात? ये उसका लॉजिक है. ये हो गया आपका टोटल असेट, कितना हो रहा है? 9, 10, 14, 14, 28, 125. इसमें से लाइबिलिटी माइनस करेंगे मेरा बच्चा. लाइबिलिटी में हम ओन कैपिटल और रिजर्व्स तो काउंट ही नहीं कर रहे. बैंक लोन 2 लाख का 70%, क्रेडिटर 1.5 लाख इंटू 25%, ₹37,500. क्या यहां मेरा नेटवर्थ बाहर आ गया क्या ब्रो? कितना आ रहा है? 1,250,625 आ रहा है क्या? माइनस कर दो, देर विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. समझ में आया कितना लंबा प्रोसेस है? और ये लंबा प्रोसेस नहीं है, ये इजी प्रोसेस है. अगर इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहा तो ये प्रोसेस और लेंदी हो जाएगा. समझ में आ रही बात? यानी अगर आपको स्लम सेल का क्वेश्चन आया, विच इज जनरली क्वेश्चन नंबर 1, स्लम सेल जब भी आपको पेपर में आया है फाइनल लेवल पे, ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है और सीधा 12 मार्क के लिए दे देता और बोलता टैक्स भी कंप्यूट करो, मतलब इसमें आपका अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करवा देता. वो स्लम सेल देने का ही लॉजिक ये है, एग्जामिनर पेपर लेंदी बनाता और आपको ज्यादा टाइम, क्योंकि इसमें एक एक चीज में टाइम खपेगा. अगर एक किसी को बच्चे को याद नहीं आया ना कि पेटेंट्स डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन रेट तो प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है, या डेप्रिसिएशन रेट क्लिक नहीं हुआ, तो ये पूरा 12 मार्क एक साथ लेके जाएगा. समझ में आ रही बात? पूरा 12 मार्क एक साथ लेकर के जाएगा. सो फाइनली 1,721,375. यस, टू फोर, कुछ गलत हुआ है क्या? 1,221,375 होना, यहां पे 17 हुआ है, प्लीज रेक्टिफाई इट. 1,221,375, एंड यहां पे डेट का भी हुआ है 2020, यहां पे 2021 और यहां पे 2022. इज दिस डन? अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था कि मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, लेट्स डू दिस. मैं चाहता हूं आप, आपके पास अगर हाल फिलहाल में मॉड्यूल नहीं है, मोबाइल पे फोटो खींच लो, सामने रखो इस क्वेश्चन को.
डन. नाउ रीड द क्वेश्चन. श्रीराम एंटरप्राइजेस, अब ये क्वेश्चन में आपको कंसिडरेशन अलग दिया और फेयर मार्केट वैल्यू की एक्सपेक्टेशन अलग है, वो भी कैसे निकलती है वो भी देखेंगे. श्रीराम एंटरप्राइजेस अ प्रोप्राइटर हैविंग टू यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट इज ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2021 बाय वे ऑफ स्लम सेल, राइट. ये मॉड्यूल नवंबर 22 का है. हाल फिलहाल में मॉड्यूल 23 के लिए अवेलेबल नहीं है, इवन दो 90 डेज जस्ट रिमेन इन द एग्जामिनेशन इन योर फाइनल्स. तो भी इंस्टीट्यूट ने मई 23 के मॉड्यूल अपडेट किए नहीं, नवंबर 23 के मॉड्यूल अपडेट किए नहीं. उन्होंने क्या किया, नवंबर 22 का मॉड्यूल दिया और बदले में सप्लीमेंट्री दे दी. सप्लीमेंट्री भी कुछ 400 पेजेस की है. उन्होंने बोला ये लो सप्लीमेंट्री, इसको जोड़ के इसके साथ पढ़ लेना. पहले आपने जो चार मॉड्यूल दिए कम थे, जो 400 पेज का एक और बुक पकड़ा दिया. इलॉजिकल यार, मतलब. हालांकि मुझे ये लगता है 7 तारीख जो अपकमिंग 7 है, राइट, 100% चांसेस है आप लोगों का न्यू सिलेबस आने के. नहीं तो कोई अदर रीजन नहीं है कि आपका मॉड्यूल ही अपडेट ना हो. आज तक कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है. तो शायद वो लोग आपका सिलेबस रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और इसी के लिए नए मॉड्यूल होपफुली बन के भी रेडी हुए हो गए होंगे अब तक के. नहीं तो नवंबर 23 का, इसीलिए यहाँ पे जो डेट देख रही है वो 2021 दिख रही है. समझ में आ रही बात. चलिए आगे बढ़ते. टोटल कंसिडरेशन इज 14 लाख. FMV 2 तो मिल गया, ठीक है. पूरा क्वेश्चन सिमिलर है. यस, चलो अंडरस्टैंड करते हैं एक एक पॉइंट को. रजिस्टर में जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मॉड्यूल. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो क्योंकि हम इसमें FMV 1 FMV 2 कैसे निकालना वो भी देख रहे हैं, ठीक है. चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू इज FMV 1 FMV 2 विच एवर इज हायर. यस, अब आपको सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा. लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. बराबर है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. उसके अंदर में, उसी के अंदर में सबसे पहले हेडिंग दीजिए FMV 1. सबसे पहले ए, सबसे पहले ए इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बींग बिल्डिंग जो सामने आ रही है. अब अगर तुम देखोगे बिल्डिंग 13 लाख की थी, उसमें से रिवैल्यूएशन 5 लाख हटा दो. लॉजिकली बिल्डिंग का वैल्यू 8 लाख रुपीज आनी चाहिए थी, लेकिन बिल्डिंग के केस में हम 8 लाख रुपीज लेंगे या जो स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी प्रॉब्लम में दी है वो लेंगे स्टैम्प ड्यूटी. सो ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज 10 लाख रुपीज. बराबर है बेटा. दूसरा आ रहा है बी मशीनरी डेटर्स. ये दोनों तो आपको फेयर वैल्यू पे ही लेने पड़ेंगे क्योंकि ये अदर असेट्स में आ गए. अदर असेट्स दैट इज, बोलो क्या लोगे, बुक वैल्यू. तो मशीन का वैल्यू कितना, 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख. और डेटर्स का वैल्यू कितना, 2 लाख. बराबर है. अब एक और चीज दी है पेटेंट्स. यहां पे पेटेंट्स दिया है, पेटेंट्स 2,50,000 दिया है प्रॉब्लम के अंदर में, ठीक है. और नीचे बोला है पेटेंट पे आज तक डेप्रिसिएशन ही नहीं हुआ है. यानी एक और क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा पेटेंट्स को लेकर के. से यस और नो. सी पेटेंट्स इज अ डेप्रिसिएबल असेट.
चलो आओ एक और वर्किंग नोट बनाते हैं, पेटेंट्स। सबसे पहले परचेज कितने में किया था आपने, परचेज कितने में किया था बेटा प्रॉब्लम में? 2,50,000। 2,50,000 इसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% फॉर फर्स्ट ईयर। मैं जानबूझ के यहां पे ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूं। 62,500 187,500 लेस अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% 46,875 140,625 आ गया बेटा 140,625। हालांकि आप सोच के देखिए, पेटेंट्स भी डेप्रिसिएबल असेट होने के बावजूद भी लेंगे तो हम इसको बुक वैल्यू पे ही, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, FMV1। तो हाल फिलहाल में यहां पे आप 2,50,000 रुपए लिखिए, इसको कहीं और यूज करेंगे। अब बताइए व्हाट इज FMV1? 16, 18,50,000 माइनस एल दैट इज लाइबिलिटी। अरे एवरीबॉडी, माइनस लाइबिलिटी, ध्यान से सुनो। अब जब लाइबिलिटी माइनस करोगे तो बताइए क्या माइनस करोगे? पहले आपकी जितनी लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटीज आपकी बन रही है 29,50,000, बराबर है? सुनो, टोटल लाइबिलिटी 29,50,000, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते, एक मिनट, इसमें से ये तो हुई टोटल लाइबिलिटी, इसमें से पहले अदर लाइबिलिटी हटा देते नीचे से। चलो 3,50,000 का 75%, क्योंकि ये तो अदर्स की है, 25% यूनिट वन की है, अदर्स की लाइबिलिटी हटानी पड़ेगी, नहीं हटानी पड़ेगी? अरे एवरीबॉडी, ट्रेड क्रेडिटर फॉर यूनिट टू 262,500, फिर कुछ बैंक लोन है 4,00,000 का 30%, 1,20,000, ये भी हटा दिया। एक्चुअल कैपिटल तो हम वैसे ही नहीं लेते, रिजर्व्स एंड सरप्लस है ही नहीं, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व है 17,500, वो भी गायब करना पड़ेगा। चलो बोलो, इज इट 367,500? बताओ। तो आपका FMV1 इज इक्वल टू 18,50,000 माइनस 367,500, 1,482,500, ये बन गया आपका FMV1। तो FMV1 लेते वक्त बिल्डिंग का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अदर असेट्स का बुक वैल्यू, ज्वेलरी का इट वुड फेच इट NRV, याद आ रहा है क्या मालिक आपको? राइट, इसमें से लाइबिलिटी माइनस करनी है, ये हो गया FMV1। अब हमें निकालना होगा, FMV1 निकल गया, व्हाट इज FMV2? FMV2, अगर आप FMV2 देखोगे तो आपको कंसिडरेशन दिया है। सबसे पहले आपको कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ कंसिडरेशन मिला है,
क्या कंसिडरेशन के अलावा आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली? नहीं। आपको कोई ज्वेलरी मिली? नहीं। आपको कोई शेयर्स मिले? नहीं। यानी कंसिडरेशन ही आपका FMV2 हो गया, कंसिडरेशन ही FMV2 हो गया। अब आप मुझे बताइए FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर। एक और वर्किंग नोट बनाओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18 लाख रुपीज पकड़ सकता हूं क्या मैं? वेट, 14,82,500 पकड़ सकता हूं क्या मैं? कंसिडरेशन कितना था? मैंने 18 लाख लिखा है। हाँ, मैं वही तो बोलूं, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। 14 लाख और 14,82,000 विच एवर इज हायर। सो FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर, सो देयर फॉर 14,82,500 इसमें से क्या माइनस करेंगे बोलो बेटा? नेटवर्थ। अब नेटवर्थ निकालने के लिए फिर एक वर्किंग नोट बनेगी, वर्किंग नोट नंबर 3 और 4 एज द केस में भी। चलो आओ नेटवर्थ। अब नेटवर्थ निकालने के लिए फॉर्मूला तो याद होगा, डेप्रिसिएबल असेट्स एट WDV, अदर असेट्स एट बुक वैल्यू। सबसे पहले बिल्डिंग का वैल्यू सुनो, जब FMV1 निकालते रहते तब क्या लेते हैं? फेयर मार्केट, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यहां तो आपको 13-5 करना पड़ेगा, क्या जरा समझ लेना, जरा ध्यान से सुनना। बिल्डिंग का वैल्यू FMV1 निकालते वक्त हमने क्या लिया था बेटा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि FMV1 हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेने बोलता है। जब आप नेटवर्थ निकाल रहे हो, जब आप क्या निकाल रहे हो बेटा? नेटवर्थ निकाल रहे हो, तब तो आपको 13 लाख-5 लाख लेना पड़ेगा, वहां तो स्टैम्प ड्यूटी बोला ही नहीं है, रिवैल्यूएशन इज टोटली इग्नोर्ड। दूसरा क्या था बेटा? मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू कितना था? 5 लाख, 4 लाख। डेटर्स का वैल्यू कितना था? 2 लाख। और पेटेंट का देखना जरा, आपने डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाला है क्या आपने ऑलरेडी? लो, ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। वन फाइव फोर जीरो सिक्स टू फाइव आ रहा है क्या? देख लो मॉड्यूल में भी देख लो। लो भैया 1,540,625 मैच कर गया आपका। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? FMV1 निकालते हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी का यू टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, नेटवर्थ निकालते हुए तो आप विदाउट रिवैल्यूएशन वाला प्राइस लोगे ना, यस और नो? इसमें से लाइबिलिटी माइनस करो। पहले आप FMV निकाल रहे थे, अब आप नेटवर्थ निकाल रहे हैं, इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, याद रखिएगा। लाइबिलिटी में सबसे पहले बैंक लोन, बैंक लोन कितने का है बेटा? 280, जो इस यूनिट से रिलेटेड था। क्रेडिटर 37,500, 87,500, इलेवन लाख सेवन, देखिए मॉड्यूल में भी आ गया एज इट इज। सुनो ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया, नेटवर्थ मिल गया, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल सकता है? थ्री जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव, ये सुनो, नो, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कितना था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर? 38,000।
नोट लिखिए, माई नोट, एफ एम वी वन निकालते वक्त वी टेकन एस डी वी ऑफ बिल्डिंग, वेयर एज नेटवर्थ निकालते वक्त, वेयर एज नेटवर्थ निकालते वक्त वी हैड टेकन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग माइनस माइनस रिवैल्यूएशन. समझ में आया मालिक? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो. वापस से एक बार बस रिवाइज करा दे रहा हूं पूरे कंसेप्ट को, ठीक है? तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा 50B क्या कहता है. 50B बड़ी सिंपल सी बात कहता है, सर अगर आपने असेट्स को इंडिविजुअली वैल्यू ना करके, अगर आपने असेट्स को इंडिविजुअली वैल्यू ना करके क्या किया बेटा, पूरा का पूरा एज इज व्हाट इज बेसिस पर ट्रांसफर किया. स्क्रीन हटा रहा हूं. आपने पूरा का पूरा एज इज व्हाट इज बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया तो आपको क्या अराइज होगा, स्लम सेल अराइज होगा. स्लम सेल का नेचर क्या होगा, डिपेंड अपॉन यूनिट हमने कितने दिन होल्ड किया. अपकमिंग प्रॉब्लम के अंदर में हमने यूनिट्स को 5-6 से होल्ड किया था, इसीलिए नेचर ऑफ गेन जो बनाया हमने लॉन्ग टर्म बनाया. अब कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, एफ एम वी वन एफ एम वी टू विच एवर इज हायर. एफ एम वी वन एफ एम वी वन कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल. सुबह से लेक्चर ले रहे, सेल भी थक गए. यस हाँ, एफ एम वी वन मतलब क्या, एफ एम वी वन मतलब ए अदर असेट्स का बुक वैल्यू, बी ज्वेलरी का नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सी शेयर्स का 11UA के हिसाब से वैल्यू, डी इमोबल प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. यस माइनस एल, एल मतलब क्या, लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग योर शेयर कैपिटल रिजर्व्स. क्लियर है मालिक? इसके बाद में हमने पढ़ा FMV2. FMV2 मतलब आपको कंसिडरेशन में क्या क्या मिला, एक्चुअल कंसिडरेशन, शेयर्स मिले होंगे तो 11UA के हिसाब से वैल्यू, इमोबल प्रॉपर्टी मिली होगी तो उसका भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तो एक्चुअल कंसिडरेशन और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर बिकेम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इसमें से माइनस करना नेटवर्थ. नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी. टोटल असेट्स कैसे लेंगे, डेप्रिसिएबल असेट्स एट WDV, अदर असेट्स एट बुक वैल्यू. कोई असेट का 100% डिडक्शन मिल चुका होगा तो नील माइनस लाइबिलिटी रिलेटेड टू दैट यूनिट. समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, कोई बच्चा अगर सिर्फ रिवीजन करता था तो सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था, ये जो आधी घंटा हमने लगाया ना, ये रिविजन करवाने में 5 मिनट लगता है. पर उस बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करके जो समझ में आ सकता है वो सिर्फ यूट्यूब पे आके रिविजन करवाने से नहीं समझ सकता. आप बताओ, आपको खुद को भी मालूम था क्या कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम है आपके मॉड्यूल में है, आपने कभी ओपन ही नहीं किया. समझ में आ रही बात? ये बहुत जरूरी है, वर्थ इट था. मतलब यू 10 मिनट का यू नो 10 मिनट का रिविजन करने से अच्छा आधी घंटे का कॉन्टेंट पढ़ा हुआ पूरा जाता आपको. समझ में आई बात? तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इसमें से भी स्पेसिफिकली ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप करके चल जाओगे तो सेम ही क्वेश्चन का हमने रिप्रेजेंटेशन रेप्लिका खड़ा किया है क्वेश्चन एयर में. ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी मॉड्यूल से किया ये स्ट्रेट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर. अगर आपने देखा होगा जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कैपिटल गेन में लिए उन सब पे हमने क्वेश्चन जरूर लिए. डन ब्रो, दैट वॉज ऑल योर 50B. कमिंग टू द टॉपिक अगेन, चलिए सर, कल हमारा एक और चीज बाकी था. और वो था यूलिप. जरा ध्यान से सुनिएगा.
कल हमारा एक और टॉपिक बाकी था और वो टॉपिक था हमारा यूलिप बाकी। यूलिप पे आइए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप सभी जानते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो सेक्शन 10-10D का एग्जम्पशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसे कैपिटल असेट माना गया और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगाया गया है, CAS, याद आ रहा है आपको, राइट? सो यूलिप को कैपिटल असेट बनाया गया है। अब यूलिप को कब कैपिटल असेट बनता है, कोई भी यूलिप कब कैपिटल असेट बनता है, जब सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 2,50,000 से ऊपर चल जाए या मल्टीपल पॉलिसी कितने से ऊपर चल जाए, 2,50,000 के ऊपर, याद आ रहा है मालिक आपको? अच्छा, सो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 2,50,000 से ऊपर चल जाए या एग्रीगेट पॉलिसी 2,50,000 के ऊपर चल जाए, मल्टीपल पॉलिसी, तो वो यूलिप आपका कैपिटल असेट माना जाएगा। अब जब ये कैपिटल असेट ट्रांसफर होगा, दैट इज यूलिप जो है ये अराइज हो जाएगा, इसका अमाउंट रियलाइज होगा, ये अमाउंट एग्जम्प्ट तो होगा नहीं, इसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल गेन। अरे एवरीबॉडी, इसके ऊपर क्या आएगा, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना ये बारे में कहीं लिखा ही नहीं था, मेरी बात समझिएगा, कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना ये कहीं लिखा ही नहीं था। वापस से पूरा सुनिए, यूलिप जो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन में वो कौन सा होता है, ध्यान से सुनो, इधर तुमको ड्राइंग की आदत लग गई, इधर सुनो, यूलिप स्क्रीन ओके। मेरा दिल ये पुकारे आजा, आ गया। चलो, अगर कोई यूलिप है, राइट, ये यूलिप में सिंगल प्रीमियम एक्सीड कर जाए 2.5 लाख रुपीज से या मल्टी पॉलिसी एक्सीड कर जाए 2.5 लाख रुपीज से, तो इसे आप कैपिटल असेट मानते हैं अंडर सेक्शन 214। बराबर है? साथ साथ में अगर ये एक्सीड कर गया तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10-10D अवेलेबल नहीं है, मतलब यू नीड टू टैक्स द अमाउंट। हाउ यू विल कैलकुलेट, ये दिया है 45(1)(b) में। तो जो यूलिप कैपिटल असेट बन जाता है, बराबर है, जब भी इसकी मैच्योरिटी होती है, इसको एग्जम्पशन तो मिलता नहीं, जो एग्जम्पशन नहीं मिलता वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाता है बीइंग कैपिटल असेट। अब कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे, ये 45(1)(b) में दिया है। कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे ये 45(1)(b) में दिया है। समझ में आ रही बात आपको, आ जाओ। इज दैट डन? चलो, सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन 45(1)(b), व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन 45(1)(b), जो यूलिप को 10-10D का एग्जम्पशन नहीं मिला उस पे कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं 45(1)(b) में। जो यूलिप को 10-10D का एग्जम्पशन नहीं मिला, क्यों एग्जम्पशन नहीं मिला 10-10D का, क्योंकि सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 250 के ऊपर चले गया था या एक से ज्यादा पॉलिसी का एग्रीगेट प्रीमियम 250 से ऊपर चले गया था, इसीलिए उसको 10-10D का एग्जम्पशन नहीं मिला। एग्जम्पशन नहीं मिला मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, पहला सवाल उठा कौन से कैरेट में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन। क्यों कैपिटल गेन, क्योंकि उसे क्या माना गया है, कैपिटल असेट्स। अब कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा वो यहां लिखा है, आओ ये पढ़िए। यूलिप इशूड आफ्टर February 2021 to which exemption under 10-10D does not apply on account of premium exceeding 2.50 or the aggregate of premium of more than one ULIP exceeds 2.5 lakh. The manner of calculating the taxable income is prescribed in rule. और इसके लिए एक रूल लेके आए, रूल 11(8)(AD) इसके कंप्यूटेशन के लिए। कंप्यूटेशन होगा कैसे, 45(1)(b) में लिखा है। कंप्यूटेशन का मैनर 8(AD) में लिखा है, बराबर है? तो 45(1)(b) ध्यान से सुनना, इसे ऐसे समझिए, जब 45(1)(b) था ये फाइनेंस एक्ट 2021 से इंसर्ट हुआ, पूरी बात ध्यान से सुनना, जो 45(1)(b) है वो फाइनेंस एक्ट 2021 से इंसर्ट हुआ और यहां लिखा था कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब।
यहां लिख दिया हम बताएंगे, क्या लिख दिया हम बताएंगे, और अब ये आ गए हैं हमें बताने थ्रू रूल 8AD। तो 45(1) भी जब लेके आए थे बस इतना लिखा था कि हम बताएंगे, अब कैसे बताएंगे रूल 8AD में लिखा है कि कैसे कंप्यूटेशन करना है। यू गॉट द लॉजिक ऑफ 10 10D प्लस 2 14 प्लस 45(1B प्लस रूल 8AD? हाँ या ना? भूल ना जाना, TDS कटेगा क्या? पहले ये तो सोच के बताओ। बिल्कुल कटा होगा ना साहब, कटा ही होगा। अगर 10 10D में एग्जम्पशन नहीं है तो 194DA में TDS कटता है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पहले चिलो, शांति, आराम से एक बार जोर से लंबी सांस लो, ब्रीद, इट्स ओके, इट्स अ प्रोविजन, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुमको नहीं समझ रहा। एक प्रॉब्लम रियली क्रिटिकल था और ऐसा नहीं है कि वही क्रिटिकल था, ऐसे सब प्रॉब्लम क्रिटिकल है। प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम सिर्फ उसका क्या पढ़ते हो, थियोरी, उसका प्रैक्टिकल करोगे तो तुमको हर जगह ही ऐसा लगेगा क्या चल रहा है विषय में। इसीलिए मैं रेगुलर बैच के अंदर में और फास्ट ट्रैक के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि क्या होता है आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाया तो और पेपर में कुछ और आता और आपने कुछ और पढ़ा, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट्स एन इनजस्टिस। ये सुनो, चलो अब आओ आराम से शांति से एक बार प्लीज वापस सुनिए, मैं पैरिटी कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा डिजाइन पहले वाला बना के दिखाता हूं, ये डिजाइन आपने बनाया है, अगर कोई व्यक्ति यूलिप में पैसा डालता है कैपिटल एसेट, यूलिप क्या बन जाता है बोलो? कैपिटल एसेट। और अगर कैपिटल एसेट है तो जब भी मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा आपको उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स कंप्यूट कैसे करोगे? ये 45(1B में लिखा है। 45(1B जब लिखा गया था तो बस इतना लिखा था हम बताएंगे, बताया नहीं था। इसीलिए अब उन्होंने रूल नोटिफाई कर दिया कि कैसे निकालना है। सीधे शब्दों में जो वहां पे वर्ड लिखा था 45(1B में, वी विल प्रिस्क्राइब, वो हटके अब ये ऐड हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बता दिया। समझ में आया अब क्या चल रहा है टोटल? यस, आ जाओ। आइए सर, 45(1B, वेयर एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस इंटेंडेड एनी अमाउंट अंडर द स्पेसिफाइड यूलिप इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, देन कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होगा? उस साल में जिस साल में अमाउंट आपने प्रीमियम की लिमिट क्या कर दी है, एक्सीड। यस, अब कैसे निकालेंगे? वेयर द अमाउंट इज रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द स्पेसिफाइड यूलिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पहली पहली बार अमाउंट रिसीव्ड किया, ए माइनस बी इज कैपिटल गेन। सर ये क्या किया है इन्होंने, ABCD? अभी नहीं, 45(4) भी बाकी है, वहां भी ABCD है। अगर पहली बार यूलिप में पैसा मिला, अच्छा देखिए ये पहली बार और दूसरी बार क्यों, पहले इसका लॉजिक क्लियर कर लो। अगर मेरे पास एक ही पॉलिसी है तो लाइफ में मैच्योरिटी पे एक ही बार पैसा मिलेगा। अगर मेरे पास मल्टीपल पॉलिसी है तो हो सकता है पहली पॉलिसी कभी और रिटायर हो रही हो, दूसरी पॉलिसी कभी और रिटायर हो रही हो, तो फिर एक से ज्यादा बार भी तो मिलेगा। इसीलिए इनकम टैक्स ने दोनों पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए रूल दिया। समझ में आई बात? सपोज जिंदगी में आपके पास एक ही पॉलिसी थी, आपने कोई यूलिप पॉलिसी नहीं ली लेकिन उसका भी प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर दे दिया आपने, एक ही पॉलिसी ली थी उसका भी प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर दिया, अब मैच्योरिटी पे आपको मिल रहा है 50 लाख, बराबर? ये 50 लाख एग्जम्प्ट होंगे या टैक्सेबल हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि आपका प्रीमियम कितने से ऊपर था?
2.5 से ऊपर था, अब ये 50 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे, 50 लाख रुपीज रिसीव्ड, 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज रिसीव्ड। एक कॉमन सेंस बताओ, ये रूल पढ़े बगैर मेरे को 50 लाख रुपए रिसीव्ड हुए 10 साल यूलिप मेंटेन करने के बाद। इस 10 सालों में मैंने प्रीमियम जो ओवरऑल पे किया, मैंने प्रीमियम जो ओवरऑल पे किया वो 30 लाख था। हाउ यू विल कंप्यूट कैपिटल गेन? अमाउंट रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। इधर भी अमाउंट रिसीव्ड 50 लाख माइनस कॉस्ट 30 लाख, जो ओवरऑल 10 साल में आपने प्रीमियम पे किया होगा 3 लाख इंटू 10 ईयर्स, 10 साल बाद आपको कितना मिला? 50 लाख इंक्लूडिंग बोनस। तो 50 लाख माइनस प्रीमियम पेड 30 लाख, कितना हो जाएगा अमाउंट? 20 लाख। 20 लाख रुपीज इज कैपिटल गेन, खत्म हो गया विषय। बहुत हार्ड था ना? अब नीचे पढ़ लो ए माइनस बी का मतलब। ए माइनस बी का मतलब, ए मतलब अमाउंट रिसीव्ड अंडर द यूलिप फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड बी मतलब एग्रीगेट प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच स्पेसिफाइड यूलिप। समझ में आई बात? आ जाओ इधर। सिंगल पॉलिसी, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड कैपिटल गेन। लाला मेरे लाला सुनना, लाला मेरे लाला सुनना, आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब यूलिप सामने वाले को देते रहेंगे और ये मैच्योरिटी पे एग्जम्प्ट नहीं है, ये मैच्योरिटी पे एग्जम्प्ट नहीं है, देर इज टीडीएस अंडर सेक्शन 194DA। जब भी पॉलिसी मैच्योर होती है, लाइफ इंश्योरेंस अदर यूलिप्स मैच्योर होती है, ये मैच्योरिटी पे जो अमाउंट दिया जा रहा है ना उस पे टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 5%। अब टीडीएस किस अमाउंट पे कटता है? ये कैपिटल गेन का फॉर्मूला जो है ना, ये टीडीएस से आया है, और बहुत कम टीचर है इंडिया में जो ये बता पाएंगे। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला जो आपका आया है ना रूल 8AD में, ये टीडीएस के कारण आया है। पूछो कैसे? 194DA कहता था, इसकी भी हिस्ट्री सुन लो। आओ 2 मिनट थोड़ा डीप में जाने के लिए रेडी हो तो बोलो, थोड़ा सा मतलब दिमाग के ऊपर नहीं जाएगा, समझ में पूरा आएगा, डीप जाना पड़ेगा। 194DA ये कहता था, जब भी मैच्योरिटी होता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का या यूलिप का, बराबर है, तो पेयर क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 5%। ये सेक्शन 194DA कहता था, प्रोवाइडेड अमाउंट एक्सीड 1 लाख। अगर ये अमाउंट 1 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है तो इस पे टीडीएस कट होगा। इस सेक्शन को चैलेंज किया गया और कहा गया, सपोज मुझे 10 लाख रुपीज मिल रहे हैं, 10 लाख के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी? मेरे पे 5% टीडीएस काट के दे देती थी। मैंने चैलेंज किया, आप 10 लाख पे टीडीएस कैसे काट सकते हो? उन्होंने बोला, क्यों, क्या गलती है? उन्होंने बोला, इस 10 लाख में से 5 लाख तो मैंने प्रीमियम पे किया है, जो मैंने ही अमाउंट पे किया, आप उस पे भी टीडीएस काटोगे? ये कोई लॉजिक है? डज इट मेक सेंस? मैंने 5 लाख रुपए प्रीमियम पे किया ओवर नंबर ऑफ इयर्स, बराबर, ओवर नंबर ऑफ इयर्स, मैच्योरिटी पे मेरे को 10 लाख मिला इंक्लूडिंग बोनस। देखिए, जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है तो वर्क कैसे होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में? आप मर गए तो अमाउंट मिलता है बहुत बड़ा, नहीं मरे तो आपने जितना डिपॉजिट किया है उसके ऊपर बोनस ऐड करके आपको दे देते हैं। अब अगर ये अमाउंट 1 लाख के ऊपर जा रहा था तो पहले कंपनी क्या करती थी? कंपनी टीडीएस बोलती थी कि भैया हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और जितना अमाउंट पे कर रहे हैं इस पे पूरा 5% कर देते थे। लोगों ने क्वेश्चन उठाया, बोले आप एक लॉ ही गलत अप्लाई कर रहे हो, ये 10 लाख रुपीज में से 5 लाख तो वो है जो मैंने ओवर द पीरियड पे किया, मेरा ही अमाउंट पेमेंट पे आप मेरे को टीडीएस कट कर दोगे क्या? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपको टीडीएस कट करना भी है तो मेरी जो इनकम हुई है उस पर कट करो। व्हाट इज माय इनकम? 10 लाख माइनस 5 लाख, आप उस पर टीडीएस कट करो। तब जाके इस लॉ को अप्रूवल मिला केस लॉ के बाद, और तब जाकर के सेंस बना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा बोला, टीडीएस कौन से अमाउंट पे होगा? अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड पे
5% सब्जेक्ट टू ओवरऑल अमाउंट एक्सीड 1 लाख। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ यहां का फॉर्मूला उठा के रूल 8AD में भी तो वही डाल दिया है तुमने। इन शॉर्ट ये जो आपने देखा अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्रीगेट प्रीमियम पेड, दिस इज अ कॉपी ऑफ 194D है, विच ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। यस और नो? समझा या नहीं समझा? दैट्स 194DA। यस ब्रो। डिडक्टर विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194DA एट द रेट ऑफ 5% ऑन दिस अमाउंट, एंड दैट्स हाउ डिपार्टमेंट कलेक्ट द टैक्स इन एडवांस। समझ में आई बात? मतलब असेसी के लिए कंप्यूट करने से पहले डिपार्टमेंट ऑलरेडी ये कंप्यूट करके बैठा होगा, और डिडक्टर क्या करेगा, आपको 5% दे देगा। समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो एक बार मेरे लिए वापस, थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन, अगर यूलिप है सिंगल प्रीमियम 2.5 के ऊपर गया या मल्टीपल प्रीमियम 2.5 के ऊपर गया, तो जो मेच्योरिटी पे अमाउंट एग्जम्प्ट होती है 1010D में, वो एग्जम्प्ट होने वाली नहीं है। अब एग्जम्प्ट नहीं होगी तो उस पे कैपिटल गेन आएगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे? कहां लिखा था? 45(1B). 45(1B) जब आया तो उसने क्या लिखा था, हम बताएंगे, तो उन्होंने रूल लाके बताया। पहला, अगर आप सिंगल ही पॉलिसी थी आपके पास, मतलब एक ही टाइम अमाउंट मिला होगा लाइफ में, सिंगल पॉलिसी थी जो अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड, नेट कैपिटल गेन आ गया। सीधा बात है, मेरे को कितना मिला इसमें से, मेरा कितना लगा, नेट कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स। अरे हाँ, ये सुनो, आपके मन में सवाल उठेगा, सर नेचर ऑफ गेन क्या रहेगा, ये तो डिपेंड करता है ना पॉलिसी कितने दिन होल्ड की। दिस इज बियॉन्ड क्वेश्चन। सर इंडेक्सेशन, आई का इंडेक्सेशन का इंडेक्सेशन, इस पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको। यस अब हो सकता है एक से ज्यादा बार आपको अमाउंट मिली हो तो सी माइनस डी, हो सकता है एक से ज्यादा बार क्या बोला होगा अमाउंट मिली होगी तो सी माइनस डी। क्या लगता है आपको सी माइनस डी क्या होगा? पहले जो अमाउंट मिला प्लस अब जो अमाउंट मिला, दोनों को क्लब कर दो। पहले जितना पे किया था उसके बाद में दूसरे पॉलिसी पे जितना पे किया था वो हटा दो। अरे झंडू कर तो वही रहे ना, अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड, एक पॉलिसी हो या मल्टीपल पॉलिसी हो, बात तो वही है। सुन मेरी बात, कॉमन सेंस लगा। पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, पॉलिसी 1 में तूने 10 लाख पे किया होगा, हो सकता पॉलिसी 2 में तूने 8 लाख ही पे किया होगा, टोटल पेड कितना 18 लाख। दोनों पॉलिसी का मिला के बना 60 लाख। दोनों पॉलिसी का अमाउंट जोड़ो 60 लाख माइनस 18 लाख, ओवरऑल नेट कैपिटल गेन। यस द अमाउंट रिसीव्ड अंडर द यूलिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ अमाउंट इन वन इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। यस और नो? द एग्रीगेट प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ यूलिप टिल द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट रिफर्ड टू इन पॉइंट सी एज रिड्यूस्ड बाय बी, एज रिड्यूस्ड बाय बी, ऊपर आपने जितना पे किया था वो। तो इन शॉर्ट आपका जो नेट अमाउंट है, जितना आपने मान लो अगर दोनों पॉलिसी का मिला के एक साथ मिला है, तो आपको जितना पहले आपने हटा दिया उसको बाजू कर दो, एज रिड्यूस्ड बाय दिस उसको बाजू कर दो, नेट अमाउंट को टैक्स कर दो। रिसीव्ड इन मल्टीपल पॉलिसी यस अमाउंट रिसीव्ड
लेस अमाउंट पेड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट पेड इन अर्लियर पॉलिसी। अगेन नेट अमाउंट रिसीव्ड सिंपल अकाउंटिंग। साहब इतना कॉम्प्लिकेट करे बगैर, पॉलिसी वन का सेपरेट कैलकुलेशन, पॉलिसी टू का सेपरेट कैलकुलेशन, अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड, सिंपल गेम। डिफरेंशियल अमाउंट 1 लाख रुपए, जो अमाउंट रिसीव्ड है 1 लाख रुपए के ऊपर जा रही है तो डिफरेंशियल अमाउंट पे 5% टीडीएस, डिफरेंशियल अमाउंट पे 5% टीडीएस। आइए आपको टीडीएस में भी घुमा के लाऊं, बहुत हो गया बोर। कैपिटल गेन आ जाओ बेटा, सर ये और बोर होने वाला है आई नो। डू यू हैव एनी ऑप्शन? नहीं ना, आ जाओ। पेज नंबर 25.4, यहां लिखिए रीड विथ यूलिप। एनी पर्सन रेसिडेंट को दे रहा है एक्सीडिंग 1 लाख 5% ऑन अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड। जुड़ गया 5% ऑन अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट पेड, प्रोवाइडेड अमाउंट शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर 1010D। ये टीडीएस नहीं आएगा अगर अमाउंट 1010D में एग्जम्प्ट है। तो अभी आपने क्या किया मालूम, कैपिटल गेन प्लस एग्जम्पशन टॉपिक प्लस टीडीएस टॉपिक, तीन चीजों को जोड़िए। आहो यस प्रभु। हा स्लम सेल यूलिप्स दोनों खत्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे आओ। अब मैं स्पेशल ट्रांजैक्शन से बाहर आकर के वापस मैं एक ब्रेक ले रहा हूं स्पेशल ट्रांजैक्शन के बीच में। अब एक ही स्पेशल ट्रांजैक्शन बचा है पूरे कैपिटल गेन में, मतलब कैपिटल गेन एंड होने आ रहा है, दैट इज डिसोल्यूशन। उसके अलावा आपका पूरा कैपिटल गेन ओवर हो चुका है। कल आपको याद हो तो सेक्शन 47 की सीरीज जब हम बोर हो चुके थे तब हमने इसमें का कुछ पार्ट जो अमेंडेड वाला था वो भी छोड़ दिया था। मैंने बोला था बेटा अमेंडमेंट पूरा एक साथ करेंगे। आ जाइए पेज नंबर 16 पे। हम फिर से एंटर कर गए सेक्शन 47 पे। सर अभी क्यों एंटर किया? अभी एंटर नहीं करते ना तो बेटा आप जब तक 45(4) में पहुंचते तब तक के आप गायब हो चुके होते, क्योंकि जब मैं 45(4) पढ़ाऊंगा तो सिर्फ 45(4) नहीं पढ़ाऊंगा, 45(4), 9B, 8AA, 8A सब एक साथ होगा। बराबर है? तो चलो वापस से आओ। क्यों ऐसा लगने लगा है ना क्यों ही कर रहे जीवन में? इतना सब आता है क्या? इतना सब नहीं आएगा, इनमें से एक आधी आएगा, पर उसके लिए इतना सब पढ़ना है। सर पर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे लाइफ में, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? क्योंकि क्लाइंट तुमको पूछ के नहीं आएगा कि कौन सा इशू लेके आएगा। क्लाइंट कोई भी इशू लेके आता है, देख मेरे भाई एक बात याद रख, राइट? एक डॉक्टर होता है ना उसके पास स्टेथोस्कोप होता है, राइट? एक इंजीनियर होता है ना उसके पास अपना यू नो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है ना स्ट्रेट अवे ब्रेन ही होता है जिसमें सब कुछ है, क्योंकि आपको कौन से पार्टी में कौन सा आदमी आके क्या पूछ लेगा इसका कोई नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते काम करो मशीन लाओ फिर चेक करूंगा फिर बताऊंगा। आपको सोल्यूशन इंस्टेंट देना होता है। आपको क्या देना होता है? सोल्यूशन इंस्टेंट देना होता है, क्योंकि अचानक से शादी पार्टी में अरे यार मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। और वो आपको इतना वैल्यू करता ही इसलिए है बिकॉज यू गिव एन इमीडिएट सोल्यूशन वेर एवर यू आर। और ये सोल्यूशन कब आते हैं? जब तुम ऑटोमेटिकली उतना उसके साथ डील करते हो, चर्न आउट करते हो। एक इंटरव्यू हुआ था मेरा जिसमें मेरे से मतलब एक लड़की थी, जो लड़की थी जो इंटरव्यू ले रही थी दैट वाज शी वाज डूइंग एमबीए। तो उसने मुझे कहा कि माय देयर आर माय फ्रेंड्स आल्सो जो यू नो सीए कर रहे हैं, व्हाई यू सीए गाइस आर सो क्वाइट, मतलब आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, इतने चुप क्यों रहते हो, आप लोग को क्या नॉलेज का एटीट्यूड है? तब तक के सवाल सब सही था, आप समझ रहे हो मेरी बात को? तब तक सवाल सब सही था, आखिरी लाइन दीदी ने गलत बोल दी। नहीं किसी की तो दीदी होगी ना। आखिरी लाइन दीदी ने कह दी, आप लोग को क्या आपके नॉलेज का एटीट्यूड है क्या?
मैंने सबसे पहले तो उसको जवाब दिया, हाँ ये बात तो है कि नॉलेज का हमें फक्र है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें पढ़ने के बाद ये आता है। और रही बात दूसरी की, हम इतना ज्यादा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उसने मेरे को बोला देर आर सम कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो फाइनल लेवल पे है वो भी बिल्कुल ऐसे चुपचाप गुमनाम करके पड़े रहते, ऐसा क्यों? मैंने बोला मैडम वो हम इसलिए करते हैं कि किसी दिन हमने मुंह खोल दिया ना तो क्लाइंट की पोल खुल जाएगी, दैट्स वाई वी कीप मम। और हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन पे पहुंच जाते हैं, बराबर है? मतलब आप जब फाइनल लेवल पे आते हो आप सिर्फ टेक्निकली यू आर जस्ट अ स्पंज जो सिर्फ एब्जॉर्ब करता रहता है, क्योंकि जिस दिन हमें निचोड़ लिया गया ना उस दिन बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। तो इस तरह की चीज थी। एक बात समझिए, ये कंटेंट है बहुत ज्यादा है, कोई दो मत नहीं है। इसीलिए आप अगर देखेंगे आपके पूरे सीए फाइनल में हर सब्जेक्ट का एक मॉड्यूल है, डीटी के कितने आते? चार। तो विदाउट दिस गोज विदाउट सेइंग दैट इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट, दिस गोज विदाउट सेइंग। मेरा अगर ओपिनियन मानते ना, ये जो इंस्टीट्यूट में ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें इंटर में डीटी 100 मार्क का होना चाहिए था, जीएसटी 100 मार्क का होना चाहिए था, कॉस्टिंग एफएम को 50-50 करना चाहिए था। यू टेल मी, यू यू ऑल पीपल हैज डन योर आर्टिकल चिप, आप मुझे जेन्युइनली बताइए कॉस्टिंग एफएम का कितना यूज आ रहा है आपके प्रैक्टिस में? टेक्निकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए तो एफएम का काम आता, नहीं तो कॉस्टिंग का तो काम इतनी आता वहां पे कहीं पे भी। 50-50 रखना चाहिए। जीएसटी जिसमें बच्चा पूरा काम कर रहा, डीटी जिसमें बच्चा पूरा काम कर रहा, तुम उसको करो ना यार। फाउंडेशन सॉरी इंटर लेवल पे तुम पूरे हेड्स डाल दो, फाइनल लेवल से हेड्स हटा करके असेसमेंट डाल दो, असेसमेंट डाल दो, या असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज एटलीस्ट नीचे शिफ्ट कर दो। फाउंडेशन इंटर में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज नीचे शिफ्ट कर दो। तुमने पूरा कंटेंट ऊपर डाल दिया और तुम्हारा मन नहीं भरा इंटरनेशनल टैक्स भी डाल दिया। मतलब समझ रहे हो, डीटी पूरा इंटरनेशनल टैक्स भी ऊपर से डाल दिया। लिटरली पढ़ाने वाले टीचर जो है ना, ले दे करके इंडिया में ले दे करके फाइनल पढ़ाने वाले टीचर 5-6 है सिर्फ इस सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट उठा करके देखो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, यहां ले दे के 5 है। पहली बात तो हर 6 महीने में हम ये करते बैठते, अभी अभी ये बुक खत्म हुई है मालूम, फिर एक नया आ गया, खत्म ही नहीं होता जीवन में। आईडीटी टीचर्स देखो आप बहुत लिमिटेड मिलेंगे आपको, इतना कंटेंट है पढ़ पढ़ के आदमी पागल होता है कि ये है कितना। टीचर और उसके साथ साथ स्टूडेंट, अच्छा एक्ट में लाओ समझ में आता, अबे रूल्स भी डाल दिए तुमने। चलो आ जाओ मालिक, सेक्शन 47 पे चलते हैं। सेक्शन 47 वो लिस्ट देता है जो ट्रांसफर नहीं है, इसको छोटा सा आइस ब्रेकिंग बोलते हैं, नॉलेज के बीच में हल्का सा। आ जाओ बेटा, एनी ट्रांसफर इन रीलोकेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय ओरिजिनल फंड टू रिजल्टिंग फंड। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं अगर ट्रांसफर हो रहा है राइट कैपिटल एसेट का ओरिजिनल फंड टू रिजल्टेंट फंड। ये ओरिजिनल फंड टू रिजल्टेंट फंड का मतलब क्या होता है बेटा? ओरिजिनल फंड ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल फंड सुनिए, ओरिजिनल फंड, ओरिजिनल फंड, ओरिजिनल फंड, ये क्या थे? ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड थे इनको इंडिया में लाने के लिए मोटिवेट किया गया, इन्हें कहा गया आप आईएफएससी में आकर के सिचुएट हो। नाउ दिस प्रोविजन आर प्योरली रिलेटेड टू आईएफएससी। यस, ये जो अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है आईएफएससी से रिलेटेड था। अब आईएफएससी में लाया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि आईएफएससी में जितने नॉन रेसिडेंट आएंगे राइट, इससे इंडिया का ट्रेड अमाउंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जितने फंड्स ऑपरेट हो रहे थे नॉन रेसिडेंट फंड्स ऑपरेट हो रहे थे इनको मोटिवेट किया, और इनको मोटिवेट करके बोला कि भैया यू रीलोकेट योर फंड, यू रीलोकेट योर फंड टू आईएफएससी। अब आप अगर अपना ओरिजिनल फंड यहां से शिफ्ट करते हैं कहां लेकर के चल जाते हैं? आईएफएससी में लेकर चल जाते हैं। सो देयर इज अ ट्रांसफर, आप यहां पे सारी चीजें ट्रांसफर करोगे, ओरिजिनल फंड को रीलोकेट करके आप आईएफएससी में लेके चल जाते हो, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फंड। राइट, दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। समझ में आ रही बात? दूसरा राइट, अब इस ट्रांसफर में देखिए क्या होगा, एक नया फंड बनाया जाएगा कहां पे? आईएफएससी के अंदर में, जिसको हम कह रहे हैं रिजल्टेंट फंड। जो शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स या यूनिट होल्डर्स होंगे, इनको नए फंड के यूनिट्स मिलेंगे इन लियू ऑफ ओल्ड फंड। इसे भी टैक्स न्यूट्रल कर दिया गया। सो एनी शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर और इंटरेस्ट होल्डर इन रीलोकेशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स यूनिट्स और इंटरेस्ट हेल्ड बाय हिम इन ओरिजिनल फंड इनटू
रिजल्टेंट फंड। तो शेयर होल्डर भी अगर कुछ ट्रांसफर कर रहा है उसको भी क्या किया गया, टैक्स से बाहर किया गया, कहा गया इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। यस। और इसके नीचे यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ओरिजिनल फंड मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट फंड मतलब क्या होता है। ओरिजिनल फंड का मतलब होता है ऐसा फंड जो एस्टैब्लिश हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन फंड, राइट। द फंड इज नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये उस जगह का रेसिडेंट है जहां पे इंडिया का हमारा DTAA है, मतलब उस फंड की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। यस। द फंड इज एप्लीकेबल टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो नॉन रेसिडेंट फंड, सीधे शब्दों में नॉन रेसिडेंट फंड IFSC के अंदर में शिफ्ट होता है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। इसके शेयर होल्डर, यूनिट होल्डर को भी न्यू फंड के अंदर में जो शेयर मिल रहा है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। यस और नो? यस। इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को भी हमें देखना होगा। रीलोकेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा रीलोकेशन, रीलोकेशन का मतलब क्या होता है, रीलोकेशन मींस ट्रांसफर ऑफ असेट ऑफ ओरिजिनल फंड टू रिजल्टेंट फंड ऑन और बिफोर 2023। रिजल्टेंट फंड का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट फंड मींस अ फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, ट्रस्ट और LLP which has been granted certificate of registration in category 2, category 3 or category 1 AIF and is located in IFSC. तो सीधे शब्दों में अगर आपको समझना है, NR फंड को IFSC में बुलाया जा रहा है, नॉन रेसिडेंट फंड जो है इनको IFSC में बुलाया जा रहा है, बोल रहा है भैया आप IFSC में रीलोकेट हो, यहां से ऑपरेट करो, हम आपको क्या देते हैं, एग्जम्पशन देते हैं, तो आप बाहर से ऑपरेट मत करो, यहां आकर के ऑपरेट करो। अब इसमें एक अमेंडमेंट लाया है थ्रू नोटिफिकेशन 82022, थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 82022। ओरिजिनल फंड में इंडियन रेसिडेंट का जो कॉर्पस होना चाहिए, मतलब जो टोटल फंड है उस फंड का जो कॉर्पस है, मतलब कैपिटल है, उसमें इंडियन फंड का इन्वेस्टमेंट 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यह भी एक कंडीशन ऐड की है ओरिजिनल फंड में। क्या बोला है, द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन इन ओरिजिनल फंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ कॉर्पस एट एनी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इंडियन रेसिडेंट का उसके अंदर में होल्डिंग 5% के ऊपर का नहीं होना चाहिए। समझ में ही बात? तो आपको यह सवाल पूछा जा सकता है क्या? आंसर इज यस, आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछेंगे? ये कंडीशन, ये 5% नहीं पूछेंगे, ये पूछा जा सकता है कि रीलोकेशन अगर हो रहा है तो इज इट रिगार्डेड एज ट्रांसफर और नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और दो ऐड किया गया है। यस। फाइनेंस एक्ट 2021 की बात है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। बात ध्यान से सुनिएगा, यह फ्यूचरिस्टिक प्रोविजन है जिसका आज कोई यूज नहीं है, पहले यह समझ लीजिए, मतलब एग्जाम में नहीं आ सकता, बट पढ़ना जरूर है क्योंकि अमेंडमेंट है। हुआ क्या, फाइनेंस एक्ट 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग आज इंडिया में होती कैसी है, यह समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए इंडिया 100% बजट पर डिपेंडेंट है, मतलब बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जितना एलोकेट करेगा उतना ही हम क्या कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाते हैं। एंड देयर इज नो इंस्टीट्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाए, जो टोल रोड्स है उनको ऑपरेट करके उनसे कमीशन ले, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट देयर इज नो मैकेनिज्म कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है। देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होता है, इंडिया बोट सिस्टम पे वर्क करता है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, वेर इन अगर इंडिया को कोई रोड बनाना है, 100 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाना है, तो वो क्या करता, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देता, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देकर के उनको बोलता आप ही बनाओ, विच इज अ सिंगापुर बेस्ड मॉडल, आप ही बनाओ, कुछ सालों बाद हमें ट्रांसफर कर दो, बराबर है। लेकिन देर इज नो मैकेनिज्म, ये क्या चल रहा है, स्कैटर्ड वे में चल रहा है, और इसके अंदर में बहुत सारा पैसा खिलाया जाता है पब्लिक मशीनरी को ताकि कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम पे आ जाए, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नाम पे आ जाए। सो देर इज नो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन,
अब उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, कैपिटल असेट यू नो बीइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है सिक्योरिटीज है, हम क्या करेंगे एज अ फंड किसको ट्रांसफर कर देंगे, एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे ताकि वहां से उसका पूरा मैकेनिज्म ऑपरेट हो सके। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वेट, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आज ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से पूरा एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट कर देंगे, ऐसे ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे अवॉइड, सो रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ प्लान अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी टू अनादर पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब देखिए ये भी गवर्नमेंट ने खुद के लिए निकाला है, बिल्कुल नहीं पूछने वाला। आपको पता होगा रिसेंटली कई कंपनीज को दूसरी कंपनीज के साथ क्या किया गया, पब्लिक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया या एक से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया, गवर्नमेंट की ही कंपनी। अब होता यह था कि गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद भी वो क्या होता था कि गवर्नमेंट कंपनी दूसरी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी को क्या करती थी, कैपिटल से ट्रांसफर करती थी, इस पे टैक्स लग जाता था। अब उन्होंने क्या बोला, अगर कोई प्लान अप्रूव हुआ जिससे एक पब्लिक कंपनी से दूसरे पब्लिक कंपनी के पास असेट गए, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। समझ में आ रही बात? सो लेट्स से उन्होंने क्या किया, एसबीआई के कुछ असेट्स उठा करके किसी और इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर किए, पब्लिक कंपनी को, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, खत्म हो गए मालिक, दैट्स इट। लेंगे यहां पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आकर के करेंगे डिसोल्यूशन, बहुत जरूरी हो गया था ना। डन है बेटा? चलो जल्दी आ जाओ।
यस सर, यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक, लेट अस स्टार्ट। अब अगर आप देखें तो कैपिटल गेन के अंदर में सिर्फ लास्ट कंसेप्ट बाकी है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एओपी बीओआई। यस और नो? दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एओपी बीओआई। क्लियर है? ध्यान से सुनिए, सेक्शन बोलता क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेक्शन। नाउ पहले क्या होता था, पहले इस लॉ में पहले क्या होता था वो समझ लीजिए, 2 मिनट की हिस्ट्री समझ लीजिए, फिर आपको सब लिखा के दूंगा। पहले हिस्ट्री समझ लो फटाक से। पहले ये होता था, ये सेक्शन था 45(4), फर्म ने पार्टनर को डिसोल्यूशन पे कुछ दिया, फर्म ने पार्टनर को डिसोल्यूशन पे कुछ दिया, फर्म ने पार्टनर को डिसोल्यूशन पे कुछ दिया तो फर्म के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। मतलब लॉजिकली ये जो आज कैपिटल गेन हम कंप्यूट कर रहे हैं, ये किसके हाथ में कंप्यूट कर रहे हैं? फर्म। ये जो हम कंप्यूट कर रहे हैं ये किसके हाथ में कंप्यूट कर रहे हैं? फर्म के हाथ में। यस और नो? ये पहली चीज हुई, यानी यहां जो हम कैपिटल गेन कंसिडर कर रहे हैं ये फर्म के हाथ में है, जिसको स्पेसिफाइड पर्सन भी, सॉरी स्पेसिफाइड एंटिटी भी कहा गया है। पहले यह होता था कि अगर फर्म पार्टनर को कुछ असेट ट्रांसफर कर रही है, वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट वॉज लाइबल टू कैपिटल गेन। पर यह गलत था। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे, जिसके कारण लॉ को चेंज किया गया। ये गलत इसलिए था क्योंकि मान लीजिए मैं एक पार्टनर में फर्म हूं, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं। यस, जब मैं एक पार्टनर हूं किसी फर्म में, सपोज मैं रिटायर होता हूं, सपोज मैं क्या होता हूं? रिटायर होता हूं। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केसेस के अंदर में टैक्स, तब कैश टैक्स किसके ऊपर लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड। लेकिन आप सोच के देखिए, एज अ पार्टनर जब मैं रिटायर होता हूं तो क्या मैं सिर्फ असेट लेता हूं? आंसर इज नो। मैं मनी कंसिडरेशन भी लेता हूं। पहले के लॉ में मनी कंसिडरेशन का टैक्सेबिलिटी था ही नहीं, सिर्फ वहां लिखा था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड। तो जो मेरे को क्या मिल रहा था, मनी कंसिडरेशन मिल रहा था, वो क्या नहीं हो रहा था, टैक्स नहीं हो रहा था। पहला प्रॉब्लम समझ में आया क्या था? दूसरा प्रॉब्लम, कई बार जब पार्टनर रिटायर होता था, फर्म के पास पैसे नहीं होते थे तो फर्म स्टॉक दे देता था, और स्टॉक देकर के इतनी समझदारी वाला काम करता था क्योंकि फर्म के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आता ही नहीं था। पूछो क्यों? स्टॉक कैपिटल असेट ही नहीं है, तो फर्म कैपिटल गेन अवॉइड कर देता था। मतलब दूसरा प्रॉब्लम क्या था लॉ में, दूसरा प्रॉब्लम क्या था? पहला, अगर पार्टनर को रिटायरमेंट पे मनी दिया तो वो टैक्सेबिलिटी से बाहर हो जाता था। स्टॉक इन ट्रेड दे दिया रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन पे, वो भी टैक्सेबिलिटी से बाहर हो जाता था। तीसरा, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है वो सिर्फ उतना ही पैसा नहीं लेके जाता जो उसके कैपिटल अकाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है इस फर्म को बनाने के लिए गुडविल का पैसा, गुडविल भी लगेगा। आप तो जब फ्यूचर में फर्म, मैं आज रिटायर हो रहा हूं, फर्म फ्यूचर में जब भी गुडविल बेचेगा तब तो पैसा मिलेगा, मेरे को इसका भी कंसिडरेशन चाहिए। जो असेट्स हमने बनाए वो असेट्स तो मैं छोड़ के जा रहा हूं ना, जो असेट हमने पार्टनरशिप फर्म से बनाए जो असेट मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को इसका भी कंसिडरेशन चाहिए। तो उसको क्या मिलता था? अदर कंसिडरेशन भी मिलते थे, वो इसमें टैक्स ही नहीं होते थे। मतलब देर वॉज अ डिफॉल्ट इन लॉ। वॉट वॉज अ डिफॉल्ट इन लॉ? मनी वॉज नॉट टैक्सेबल, स्टॉक इन ट्रेड गिवन वॉज नॉट टैक्सेबल, एंड वैल्यू ऑफ गुडविल का जो पैसा उसको आज ही दिया जा रहा है, दैट वॉज नॉट असर्टेंड। समझ में आ रही बात? और इस चीज को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, लॉ को चेंज किया। अब लॉ को क्या चेंज किया, 45(4) चेंज हुआ, 9(b) भी चेंज हुआ। नाउ देर आर टू पैरेलल सेक्शन और बोथ साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है। पहले ये समझ लो, देर आर टू सेक्शन और दोनों साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है। वन सेक्शन इज 9(b) एंड द अनादर सेक्शन इज 45(4). फर्स्ट सेक्शन इज 9(b) एंड अनादर सेक्शन इज 45(4). क्लियर है? दूसरी बात, अब ये ट्रांसफर करने के बाद, ये ट्रांसफर करने के बाद जो नेचर ऑफ गेन आएगा, ये ट्रांसफर करने के बाद जो नेचर ऑफ गेन आएगा, इस बारे में भी अभी तक लॉ कुछ नहीं बोल रहा था। अब वो भी बता दिया गया है कि अगर ये ट्रांसफर करने के बाद जो गेन आएगा, इस गेन को डील कैसे किया जाएगा, वो भी अब बता दिया गया है। यस, एंड एक और चीज समझिए, अगर पार्टनर असेट लेके जा रहा है 10 लाख रुपए का, इस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपीज है, तो देखिए अकाउंट्स में कुछ बहुत बदल जाता है। समझिए कैसे,
असेट लेके गया 10 का, बराबर है, जबकि इस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आज कैपिटल गेन टैक्स होगा। आज कैपिटल गेन फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर टैक्स होगा। अब फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर टैक्स हो गया तो फर्म ने जो टैक्स भरा वो तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भरा, लेकिन बुक्स में तो कॉस्ट रिकॉर्डेड थी, तो जो टैक्स आ रहा है उस टैक्स को आपको अकाउंट में, दैट इज कैपिटल अकाउंट में अपोर्शन करना पड़ेगा। जो टैक्स आपने दे दिया उसको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। अकाउंटिंग समझो ना सर, सिंपली आपने बैलेंस शीट में 10 लाख का असेट डाला था, ये असेट जब आप आज पार्टनर को दे रहे हो तो आपको तो टैक्स फेयर मार्केट वैल्यू से लग रहा है फर्म को, बराबर है। फर्म जो टैक्स निकालेगा ये तो 60 लाख पे टैक्स निकालेगा एज पर द न्यू प्रोविजन। अब आप सोच के देखिए, जो असेट रिकॉर्डेड 10 लाख पे था, फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे टैक्स हुआ, मतलब सेल 60 लाख पे हुआ, 60 माइनस 10 जो आया 50 लाख, 50 लाख पे अब फर्म टैक्स भरेगा। अब फर्म अगर 50 लाख पे टैक्स भरेगा, ये तो उसने उस अमाउंट पे भर दिया जो एक्चुअली रियलाइज ही नहीं हुई। अब अगर इसकी मैं अकाउंटिंग करूं, सेल ऑफ असेट 60 लाख, वैल्यू ऑफ असेट 10 लाख, बचे कितने 50 लाख, 50 लाख पे वॉट एवर इज द टैक्स रेट। अब पॉइंट ये है, ये 50 लाख पे जो आपने टैक्स दिया है ये तो आपके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा ना, क्योंकि जब आप असेट सेल करोगे, चलो अकाउंट्स बनाओ, जब आपने असेट सेल किया, बराबर है, असेट्स अकाउंट डेबिट 10, सेल 60, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 50 दिखेगा। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स को एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा, इसके ऊपर का जो टैक्स है ये कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा ना। ये तीन चीजों को मेन बताया गया, और इसके लिए लाया रूल 8A भी, कि आप किस तरीके से अपोर्शन करोगे इस टैक्स को इन द कैपिटल। समझ में आई बात? चलिए एक एक समझते हैं, चलिए एक एक समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं 9B। 9B कोई कंप्यूटेशन वाला सेक्शन नहीं है, पहले दिमाग में ये लगाओ, 9B इज नॉट अ कंप्यूटेशन सेक्शन। मैं अभी तक स्क्रीन नहीं लाया है, डोंट वरी, सिर्फ समझिए। मैंने आपसे कहा दो सेक्शन पैरेलल चलते हैं, 9B एंड 45(4). यस, सबसे पहले रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में जाकर के हेडिंग दीजिए, रजिस्टर में जाकर के हेडिंग दीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एओपी बीओआई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एओपी बीओआई। बराबर है, ध्यान से सुनिए। सेक्शन 9B, आपको याद होगा पुराने लॉ में डिफेक्ट क्या था, अगर पार्टनर को स्टॉक उठा के दिया जाता तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता था। अब सेक्शन 9B आता है, सेक्शन 9B ने सिर्फ क्लैरिफाई किया है, कोई कंप्यूटेशन है ही नहीं 9B में। 9B इतना कहता है, अगर फर्म पार्टनर को ऑन डिसोल्यूशन, कब, कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड उठा के दे देता है। कैपिटल असेट दिया तो कैपिटल गेन आएगा, स्टॉक दिया तो पीजीबीपी आएगा। सेक्शन 9B ओवर। सेक्शन 9B डोंट टॉक अबाउट मनी, इट ओनली टॉक अबाउट कैपिटल असेट एंड स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आई बात? आपको नहीं लगता पुराने लॉ को रेटिफाई कर दिया 9B ला करके? तो अगर अब फर्म पार्टनर को क्या प्रोवाइड करती है, कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड प्रोवाइड करती है, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में पीजीबीपी या कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? जैसे नॉर्मल कैपिटल गेन निकालते हो वैसे निकालोगे। पीजीबीपी कैसे निकालोगे? वही फेयर मार्केट वैल्यू को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान करके कैपिटल गेन निकाल लोगे। समझ में आ रही बात? सेक्शन 9B इज ओवर एंड अबव सेक्शन 45(4). मान लीजिए एक पार्टनर अगर रिटायर होता है और उसको तीनों चीज मिलती है, उसको क्या मिलता है, तीनों चीज मिलती है, असेट भी मिलता है, मनी भी मिलता है, स्टॉक भी मिलता है, तो 45(4) के साथ साथ 9B भी आ जाएगा। 9B विल बी ऑन कैपिटल असेट एंड स्टॉक इन ट्रेड, वहां मनी के ऊपर भी आएगा। मनी यहां पे कवर किया नहीं गया है, मनी कंसिडरेशन। सो एवरीबडी प्लीज कम टू पेज नंबर 21, एवरीबडी प्लीज कम टू पेज नंबर 21। क्या बोल रहा है जरा समझ लेते हैं। स्क्रीन अगली स्क्रीन, सेक्शन 9B, बराबर है, आपने रजिस्टर में लिख दिया, हम जितना लिखाएंगे लिखना उतना ही, यहां से पढ़ पूरा लेना। सेक्शन 9B इज अ डीमिंग प्रोविजन अनेबल टैक्सिंग ऑफ सर्टेन इनकम इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। टैक्स किसके हाथ में हो रहा है? स्पेसिफाइड एंटिटी। नीचे आइए, स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब कौन, नीचे आ जाओ, स्पेसिफाइड एंटिटी मीन्स अ फर्म और एओपी बीओआई, मतलब फर्म और एओपी बीओआई के हाथ में टैक्सेशन होने जा रहा है, ठीक है। इट इज नॉट अ कंप्यूटेशन प्रोविजन, इट इज नॉट अ
कंप्यूटेशन प्रोविजन। 9B अप्लाइड इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। देयर इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन पार्टनर और मेंबर ऑफ फर्म एओपी बीओआई। देयर इज अ स्पेसिफाइड एंटिटी फर्म और एओपी बीओआई। स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी यानी कैपिटल असेट स्टॉक और बोथ। यहां मनी लिखा हुआ नहीं है। द रिसीप्ट इज इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये किस रीजन की वजह से मिला है? डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन? चेंज इन द फर्म। चलिए मुझे एक बात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। विजय एंड पल्लवी वेर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म वी लर्न। बोथ वेर शेयरिंग अ रेशियो ऑफ 50:50। वी चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पल्लवी 60, विजय 40। इज 9B एप्लीकेबल? इज 9B एप्लीकेबल? यस ऑर नो? गलत हो तुम। 9B इज नॉट एप्लीकेबल। पूछो क्यों? मियर रिकॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा। यू शुड ऑल्सो रिसीव्ड कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड और बोथ। क्लियर कट लिख के दे रहा हूं। इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ऑल कंडीशंस मतलब सिर्फ मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया बट देर इज नो गिविंग्स बाय फर्म, देर इज नो टैक्सेबिलिटी ऑफ 9B 45(4) और एनी अदर सेक्शन। सो इट मस्ट गिव। ट्रांसफर होगा तो ही कैपिटल गेन आएगा। तो विजय ने सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया, देयर वोंट बी एनी कैपिटल गेन। हां, इस चेंज के चक्कर में विजय को कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड मिला, देन देयर इज अ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। समझ में आ रही बात? ये पूरा सेक्शन फर्म के हाथ में टैक्सेबल है। तो सिंगल पॉइंट के लिए भी पार्टनर का मत सोचना। यस, द ट्रांसफर विल डीम्ड इन द ईयर व्हेन कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड आर रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन। ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल रिसीव हुआ था। एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम डीम्ड ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी। किसकी इनकम मानी जाएगी? स्पेसिफाइड एंटिटी की इनकम मानी जाएगी। सच इनकम विल डीम्ड टू बी इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी इन द प्रीवियस ईयर इन विच बोथ आर रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन। ये उस साल इनकम मानी जाएगी जिस साल सामने वाला रिसीव कर रहा है। इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी और कैपिटल गेन। कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो पीजीबीपी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन द डेट ऑफ रिसीव डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो कैपिटल गेन पर्पज के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। इट अपियर्स दैट By virtue of section 48(3), the computation of capital gain above shall be reduced by gain under section 45(4). जो भी computation तुम यहां करोगे उसमें से 45(4) में जो आपने compute किया है वो minus हो जाएगा। Obviously नहीं तो double tax हो जाएगा, क्योंकि 45(4) में जो capital asset transfer कर रहे हो उस पर तो capital gain है ही। Yes or no? उस पर तो capital gain है ही, तो इसमें से minus होगा। ये highlight करके रखिए, समझा दूंगा ये क्या लिखा है। इसके ऊपर भी एक problem रखा है। बाकी नीचे मीनिंग लिखा हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेसिफाइड फॉर्म, वो आपके काम का नहीं है। रजिस्टर में जाइए, सबसे पहले लिखिए सेक्शन 9B फर्म ट्रांसफर कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड टू पार्टनर। कैपिटल असेट ट्रांसफर लाइबल टू कैपिटल गेन, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर लाइबल टू पीजीबीपी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यस, कैपिटल गेन कंप्यूटेड under section 45(4) is reduced from 9B. दूसरा, money is not covered.
डन बेटा, 9 वीक खत्म। क्या कोई कंप्यूटेशन बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बोला क्या मिला तो क्या टैक्सेबल, खत्म। डन। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट सेक्शन इज 45(4), कैपिटल गेन कंप्यूटेशन। बराबर है? जब भी कोई फर्म या एओपी बीओआई किसको देगी? मेंबर को या बोलो बेटा पार्टनर को। बराबर है? इनके हाथ में टैक्स आएगा। यस, चलो जी, इनके हाथ में टैक्स आएगा अपॉन कैपिटल असेट। अगर क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल असेट। क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, पहला इशू क्या था? अगर पार्टनर को रिटायरमेंट पे आप स्टॉक उठा के देते हो तो उसका टैक्सेबिलिटी लिखा ही नहीं था, वो 9B ला के सॉल्व कर लिया। दूसरा इशू था, अगर पार्टनर को आप कैश भी देते हो वो टैक्सेबिलिटी में कहीं आता ही नहीं था, क्योंकि क्या लिखा था लॉ के अंदर में? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, मनी कंसिडरेशन कहीं था ही नहीं। इसे कुछ इस तरह से समझिए, सपोज एक बैलेंस शीट है, बनाना मत, सुनना सिर्फ। सपोज वीजे का कैपिटल है यहाँ पे 10 लाख रुपीज। बराबर है? फर्म के पास एक लैंड है, फर्म के पास एक लैंड है लेट्स से 15 लाख रुपीज की। इनके पास मनी कंसिडरेशन भी है 5 लाख रुपीज का। बराबर? जरा समझ के देखिए, इसके अलावा देर इज लाइबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहां पे कुछ और असेट है। पॉइंट समझ के देखिएगा, जब मैं पार्टनरशिप से निकलूंगा या कोई दूसरा बंदा पार्टनर बोल के ऐड होगा, मैं निकलूंगा या फर्म डिसॉल्व होगी, सोच के देखिए क्या मैं जितना कैपिटल लाया था उतना ही कैपिटल लेके जाऊंगा? द आंसर इज नो। जब मैं रिटायर होऊंगा मैं मेरे पार्टनर को क्या बोलूंगा? भाई सुन, राइट, फर्म के पास बहुत सारा लैंड पड़ा है, बहुत सारा मनी पड़ा है, ठीक है, मैं एज अ पार्टनर निकल रहा हूं, नो डाउट मैं मेरा कैपिटल लेके जाऊंगा, लेकिन इस फर्म की लैंड, यू नो, इस फर्म के इस लैंड बनाने में मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इस फर्म को फर्म बनाने में मैं भी पार्टनर रहा हूं, ये मनी कमाने में मैंने भी मेरे एफर्ट्स डाले हैं, मैं आज सिर्फ मेरा कैपिटल लेके निकल जाऊंगा ऐसा तो होने नहीं वाला। अरे एवरीबॉडी ये सुनो, हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, अच्छा इस फर्म की गुडविल को कल चल के तू सेल करता है तो उस पे जो कंसिडरेशन आएगा मैं भी तो उसमें हकदार रहूंगा ना, क्योंकि फर्म का गुडविल अकेले तूने थोड़े बनाया है। भले ही मैं आज निकल रहा हूं, तू क्या कर, मेरा कैपिटल तो दे ही दे, इसके ऊपर मेरे को अमाउंट दे। अब इसके ऊपर मतलब एक प्रपोर्शनेट अमाउंट दे गुडविल का मेरे को आज के बेसिस पे। तू आगे कितने में बेच रहा है दैट्स योर कॉल, पर मैं तो आज एक प्रपोर्शनेट कैश लेके जाऊंगा। ये सुनो, बिल्डिंग तो आगे चल के 10 साल बाद बेचेगा या हायर वैल्यू पे बिकेगी? भैया बिल्डिंग तो मिलके दोनों ने बनाई है, इसका भी मेरे को आज वैल्यू दे। अंडरस्टैंड इन अ सिंपल पॉइंट, अगर मैंने 10 लाख फर्म में डाले थे तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओनली 10 लाख जब मैं फर्म से निकलता रहूंगा, मैं फर्म का गुडविल का अमाउंट भी लेकर के निकलूंगा। याद करो ना 11th में पार्टनरशिप अकाउंट, जब फर्म रिटायर होता था फर्म का गुडविल भी उसको दिया जाता था। टेक्निकली गुडविल देने का मतलब हम एग्जैक्टली गुडविल नहीं देते थे उसको, हम मनी देते थे उसको इन द नेम ऑफ गुडविल। समझ में आ रही है बात? तो जब मैं निकलूंगा मैं सिर्फ 10 लाख लेके जाऊंगा क्या? नहीं, सपोज कर लेते, सपोज कर लेते मुझे अदर असेट्स के अलावा ये उठा करके दे दिया उन्होंने। बराबर है? लैंड मेरे को उठा के दे दी प्लस मनी कंसिडरेशन इन द नेम ऑफ गुडविल मेरे को उठा करके दे दिया पूरा, उन्होंने बोला ये रख लो। अब जरा सोच के देखो मेरे को गेन कितने का हुआ। लॉजिकली 10 लाख पैसा लगाया, बदले में 20 लाख मिले। लॉजिकली मेरा कैपिटल गेन क्या है? मेरा कैपिटल गेन क्या है सोच करके देखो, एकदम सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। यस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानोगे कैपिटल गेन निकालने के लिए? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपका जो मनी कंसिडरेशन मिला होगा वो प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अरे एवरीबॉडी,
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट रिसीव्ड, ये तो पहले से भी लॉ था ही, इसमें क्या ऐड कर दिया, मनी कंसिडरेशन, बराबर है, ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, कैपिटल अकाउंट जो बच गया ये क्या बना, कैपिटल गेन। सिंपल, 10 लाख रुपए लगाए थे, निकलते वक्त मैंने इतने रुपए लिए, 45.4 का कंप्यूटेशन, मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू। एक मिनट, अगर तीनों मिला होगा तो ऐसा हो सकता है ना किसी पार्टनर को तीनों चीज मिली, मनी भी मिला, कैश भी, स्टॉक भी मिला, कैपिटल असेट भी मिला। फर्स्ट यू विल कंप्यूट 45.4, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, व्हाई यू विल कंप्यूट 45.4, क्योंकि 9B में से 45.4 हटाओगे ना, समझ में आ रही बात, 9B में से 45.4 हटाओगे ना आप, क्योंकि वहां पर स्टॉक और कैपिटल असेट है। तो पहले यू विल कंप्यूट 45.4 देन 9B, इफ इफ स्टॉक इज ऑल्सो रिसीव्ड। अगर स्टॉक रिसीव ही नहीं हुआ तो काम खत्म, 45.4 का ही कंप्यूटेशन है फिर तो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो व्हाट यू आर डूइंग फॉर इन 45.4, 45.4 के अंदर में जो मनी आपको मिला प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो असेट मिला, इसमें से आप क्या माइनस करोगे एज अ कॉस्ट। तुमने फर्म में क्या लगाई थी, फर्म के लिए कॉस्ट क्या थी, फर्म ने 10 लाख रुपए में तुमको अपने राइट दिए थे, तो फर्म के लिए कॉस्ट क्या थी, 10 लाख रुपीज। तो फर्म में जितना आपने कैपिटल लगाया था वो, फर्म में आपने क्या लगाया था, जितना कैपिटल लगाया था वो आपको कंसिडर करना है। समझ में आ रही बात, यस और नो, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। 45.4, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनर, शैल बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब कौन, फर्म, इन विच मनी और कैपिटल असेट और बोथ वेयर रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन, सच कैप सच प्रॉफिट एंड गेन शैल डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। यहां पे माइनस डी आएगा, यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस डी। ए मतलब कैपिटल गेन, व्हाट इज ए, कैपिटल गेन, व्हाट इज बी, मनी, व्हाट इज सी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट रिसीव्ड, व्हाट इज डी, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेड इन एनी मैनर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एंटिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ 45.1 और 45.4 में, तो 45.4 का कैलकुलेशन प्रिवेल करेगा। यस, अच्छा जी, ये कैप बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफाइड मैनर, ये रिप्रेजेंटेड इन स्पेसिफाइड मैनर क्या है, ये आपको रूल 8AB में दिया है। ये रिप्रेजेंटेड इन स्पेसिफाइड मैनर जो है, ये क्या दिया है आपको, रूल 8AB में दिया है, जहां पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो आपने डिफरेंस पे टैक्स भरा है, टैक्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, किधर बेटा, कैपिटल अकाउंट के अंदर में। अच्छा, अब ये जो नेचर ऑफ गेन होगा ये क्या होगा, रूल 8AA बोलता है, रूल 8AA बोलता है, इफ द गेन विल बी शॉर्ट टर्म वेयर द कैपिटल असेट विच इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन ऑफ 45.4। ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है असेट, अगर ये ट्रांसफर के टाइम पे शॉर्ट टर्म नेचर का ही था तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा। दूसरा, फर्म जो ट्रांसफर कर रही है ये ब्लॉक का पार्ट था, मतलब डेप्रिसिएबल असेट, डेप्रिसिएबल असेट ट्रांसफर करने पे तो सिर्फ क्या आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो फर्म के हाथ में शॉर्ट टर्म आएगा। मतलब फर्म जो असेट ट्रांसफर कर रही है ये अगर शॉर्ट टर्म नेचर का था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अगर डेप्रिसिएबल असेट था तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अगर सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल था तो भी ये क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म, अदरवाइज द गेन विल बी इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म। तो नेचर ही शॉर्ट टर्म था, असेट डेप्रिसिएबल था या ये सेल्फ जनरेटेड असेट था, तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज जो नेचर ऑफ गेन है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म। समझ में आ रही बात, हाँ या ना, यस। चलिए भाई साहब, कंसेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रॉब्लम तब तो मजा आएगा आपको। एवरीबॉडी रेफर टू क्वेश्चन नंबर 30।
ये जो क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज सीबीडीटी की गाइडलाइन से उठा के लेके आया है, इसीलिए इसमें डेट वही रखी गई है जो उस लॉ के टाइम पे आई हुई है। हालांकि आज के लॉ के हिसाब से आप इसे 22 अज्यूम कर सकते, फिर भी इस प्रॉब्लम में डेट से कोई लेन देन नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया ये एज इट इज वहां से लाया है, तो मैंने इसका जानबूझ के चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 30, फोटो ले लीजिए, फोटो लेकर के अपने पास रखिए, आपके पास क्वेश्चन है रहे तो आप क्वेश्चन है से देखते रहिए। इज दिस डन? चलिए क्वेश्चन रीड कर लो पहले, प्लीज रीड द क्वेश्चन। पढ़ लिया आपने? क्या क्या दिया पार्टनर को? गुडविल भी दिया, मनी भी दिया। सो ए एंड बी आर पार्टनर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, बैलेंस शीट आपको इमीडिएटली दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट 30 लाख, कैपिटल अकाउंट ऑफ बी 20 लाख। मैं आपको एक और बात पहले बता दूं, जब पार्टनर का हम कैपिटल बैलेंस लेते रहेंगे, दिस इज टू बी विदाउट रिवैल्यूएशन। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेते हैं विच इज विदाउट रिवैल्यूएशन, रजिस्टर में जो अपन ने 45(4) लिखा है पहले वहां लिखिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर 45(4) जो लिखा है अपन ने उसके नीचे लिखिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शैल बी कंसिडर्ड विदाउट रिवैल्यूएशन। डन चेक। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए 30 लाख, बी 20 लाख और मशीनरी अदर। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इंक्लूड रिवैल्यूएशन, असेट्स वेयर रिवैल्यूड इन 2010 11 लाख, जिसमें से 6-10 पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किए थे एंड 490 बी के अकाउंट में क्रेडिट किए थे। मतलब ये जो 30 लाख रुपीज दिख रहे हैं इसमें से क्या मैं कह सकता हूं 6.10 लाख ऐसे हैं जो रिवैल्यूएशन के हैं। मतलब मेरा नेट कैपिटल कितना हुआ, सॉरी 30 लाख माइनस 6,10,000 कितना हुआ मालिक, 23,90,000। ये मेरा नेट कैपिटल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन अक्टूबर 22, रीड कीजिए इसे, ये एज इट इज उठा के रखा हुआ है। ए रिटायर एंड न्यू पार्टनर सी ज्वाइन द फर्म। ए रिटायर हो रहा है, सी ज्वाइन कर रहा है, मतलब देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ द बिजनेस इज गिवन टू ए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 70 लाख। वेट, फर्म से पार्टनर ए को क्या मिल रहा है? सबसे पहली चीज मिल रही है गुडविल, बराबर है। गुडविल के साथ साथ 2 लाख रुपीज उसको चेक से भी दिए जा रहे हैं, ये हुआ 70 लाख प्लस मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन 2 लाख, टोटल हो गया 72 लाख। डू यू अग्री? इसमें से 23.90 माइनस कर दूं क्या? 23.90, हाँ। द गुडविल ऑफ बिजनेस इज गिवन टू ए, ए को दे दिया ना ऑन रिटायरमेंट, तो जो मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, यस। तो चलिए आइए, सबसे पहले
45.4 का कंप्यूटेशन देख लेते हैं। 45.4 में 2 लाख का मनी मिला प्लस 70 लाख फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट माइनस 23.90 कैसे आया? कैपिटल असेट माइनस रिवैल्यूएशन 23.90। तो आपका कैपिटल गेन 45.4 के अंदर में 48,10,000 बन गया। यस और नो? राइट। यानी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, क्या पॉइंट आया, मेरी बात सुनिए। फोर्टी फाइव फोर लगेगा ही नहीं इफ द अमाउंट रिसीव डज नॉट एक्सीड कैपिटल। डू यू अग्री? मेरी बात समझी गए? आपको वापस से सुनो, 45.4 लगेगा ही नहीं इफ द अमाउंट प्लस मनी कंसिडरेशन रिसीव डज नॉट एक्सीड कैपिटल। 45.4 में आपने देखा कैपिटल गेन कब आ रहा है? कैपिटल गेन तब आ रहा है जब हम कैपिटल से ऊपर है। अगर कैपिटल से ऊपर है ही नहीं, कैपिटल गेन जीरो, कैपिटल गेन जीरो। यानी 45.4 कंप्यूटेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो कैपिटल गेन जीरो पकड़ा जाएगा। क्या पकड़ा जाएगा? जीरो। यस। अच्छा, 9B भी आएगा क्या? आएगा। 9B भी आएगा क्या? आएगा। 9B क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। 9B कहता है, 9B कहता है फर्म के हाथ में कैपिटल आएगा जब हम किसको देंगे बेटा? पार्टनर को देंगे। क्या देंगे? कैपिटल असेट प्लस स्टॉक इन ट्रेड। बराबर है? कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट कितना आया? 70 लाख। इसमें से जितना कैपिटल गेन 45.4 में दे दिया उतना हटा दो। 45.4 में कितना दिया बताओ? 70 लाख। अंडरस्टैंड, 70 लाख बीइंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कितना आपने दिया, चेक करो। देखो इधर, गुडविल आया था 70 लाख, 2 लाख कैश, टोटल कितना बना था? 72 लाख। 72 लाख में से क्या माइनस किया बेटा? कैपिटल। अरे एवरीबॉडी, कैपिटल माइनस किया तो हमारा कैपिटल गेन आया 48.10। एवरीबॉडी, अब 9B कहता है आप यहां पे जो भी असेट ट्रांसफर कर रहे हो प्लस स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, यहां पे हमने कैपिटल असेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन अराइज होगा। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल जो मिला है। मनी 9B में आता नहीं तो 70 लाख लिया सिर्फ। इसमें से 45.4 में आपने जितना दिया था वो माइनस करो 45.4 का कैपिटल गेन। 45.4 का कैपिटल गेन कितना आया था? 48.10 माइनस 2 जो काय में प्रोवाइड किया था कैश, तो एग्जैक्टली 46.10 माइनस होगा। क्या जरा समझना, क्योंकि मनी कहां टैक्स नहीं होता? 9B में टैक्स नहीं होता। समझ में आया क्या? मनी 9B में टैक्स नहीं होता। ऊपर के कैपिटल गेन में 2 लाख भी तो इंक्लूडेड है ना ब्रो, वो हटाओगे नहीं हटाओगे? तो लो, 70 लाख माइनस 70 माइनस 46.10 कितना हो रहा है बेटा? 23,90,000। दिस इज 23,90,000 बीइंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल 70 लाख। अब आप ये कहेंगे सर ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, चेक करके देखो डबल टैक्सेशन है क्या, चेक करके देखो ना डबल टैक्सेशन है क्या? नहीं है। रिड्यूस कर रहे हो ना ब्रो, जितना ऊपर दिया है उतना अमाउंट आप रिड्यूस कर रहे हो ना। लॉजिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो तुम तो इतना ही बोलोगे अमाउंट रिसीव्ड माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इज कैपिटल गेन। पर तुमको एग्जैक्टली मिला तो 70 लाख है ना, तुम सिर्फ 40 जो भी अमाउंट आया था 48.10 पे थोड़ा ना टैक्स दोगे, सिर्फ मिला तो तुमको 72 है ना। सो 70 लाख, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस की ऑफ सेल जनरेटेड असेट, ये तो क्या पकड़ा जाता है? नील। अदर असेट्स का कितना आया? 46.10 जो 45.4 के तहत टैक्सेबल है, जिसमें से 2 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैश। ये हट गए, बचता कितना है? 23.90।
समझ में आया क्या? आपने लिखा है रजिस्टर में? नहीं लिखा, नहीं लिखा तो लिखो, सॉल्व करते वक्त लिखो वापस। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, आपको अगर जब भी 45 4 के एडिशन में 9b है, 45 4 या 9b, नहीं बोथ, इसीलिए हमने यहां दोनों निकाला है। दूसरी बात, चलिए सबसे पहले 9b निकालते हैं। आ जाओ 9b, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स रिसीव्ड? 70 लाख। वापस से एक बार पूरा सॉल्व करते हुए समझो, 70 लाख प्लस, एक मिनट, 45 4 नॉट 9b, 45 4 बराबर है, प्लस मनी कंसिडरेशन भी मिला है। क्या मनी कंसिडरेशन 45 4 में आता है? यस, मनी कंसिडरेशन कितना मिला? 2 लाख बराबर। इसमें से क्या माइनस करोगे? कैपिटल, कैपिटल विदाउट रिवैल्यूएशन। व्हाट इज कैपिटल विदाउट रिवैल्यूएशन? चेक करो, 30 लाख का कैपिटल था जिसमें 6.10 इंक्रीज था, तो ये हमने हटा दिया। बोल बेटा तेरा कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 4 कितना आया? 48.10 लाख। डू यू अग्री? बराबर है, 45 4 के एडिशन में 9b आएगा। 9b बोलता है तेरे को जितना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स मिला, मनी नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, तो तूने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ले लेना, प्लस स्टॉक इन ट्रेड कुछ मिला है, स्टॉक इन ट्रेड यहां नहीं आएगा, पीजीबीपी में जाएगा, मिला भी रहता तो जितना तेरे को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट मिला है, इसमें से तू क्या माइनस कर दे? जितना कैपिटल गेन कहां अराइज हुआ हुआ है तेरे को? 45 4 एक्सक्लूडिंग मनी। सर वाई एक्सक्लूडिंग मनी? 9b में मनी आता नहीं। अब ये 48.10 में 2 लाख रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश। 46.10 माइनस हो जाएगा इसमें से, सो 70 लाख माइनस 46.10 क्या आ जाएगा बेटा? 23.90। उतना ही आ रहा है ना? ये सुनो, अब समझ में आया? एक बार शांति से घर जाके इस प्रॉब्लम को वापस देखना। मैं फिर एक बार 9b 45 4 रिकॉल करवा रहा हूँ। 9b इज इन एडिशन टू 45 4। पहले 45 4 निकालना, 45 4 निकालने के बाद जितना अम कैपिटल गेन आया है उसको 9b के कंप्यूटेशन से माइनस कर देना। पहले 45 4 निकालना, 45 4 का जो कैपिटल गेन है उतना 9b में से क्या कर देना? माइनस कर देना वापस से। पहले 45 4 निकालना, उसमें जितना कैपिटल गेन आया है वो 9b की वजह से क्या कर देना? माइनस कर देना। पहले 45 4 निकालना और 9b में से वो क्या कर देना? माइनस कर देना। पहले ये सेट हो गया। चलिए, पहली बात, ये कब एप्लीकेबल होगा? जब डिसोल्यूशन होगा तब एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, राइट, 9b कब एप्लीकेबल है? जब आपको स्टॉक और कैपिटल गेन मिले। 9b में कोई कंप्यूटेशन नहीं है। 9b सिंपली बोलता है कैपिटल असेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन लाओ। कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे? जैसे नॉर्मल निकाल रहे हो वैसे ही निकालोगे, बस एक और चीज माइनस करोगे, 45 4। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, 45 4। 45 4 बोलता है, दूसरा इशू क्या था लॉ में? दूसरा इशू था मनी कंसिडरेशन दिया तो वो टैक्स नहीं होता था, तो पहले का लॉ एज इट इज रखा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट प्लस मनी कंसिडरेशन ऐड कर दिया, माइनस कैपिटल। कैपिटल को क्या माना गया है? कॉस्ट। तो माइनस कैपिटल आपका क्या बन गया? कैपिटल गेन। बराबर ये बात? तो सर आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट प्लस मनी कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कैपिटल ऑफ द पार्टनर एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, ये आपका क्या बन गया? कैपिटल गेन। याद रखने वाला पॉइंट, अगर आपके कैपिटल से ज्यादा आपको नहीं मिला तो देर इज नो कैपिटल गेन। अगर आपके कैपिटल से ज्यादा आपको मिला ही नहीं तो टेक्निकली यू आर एट अ लॉस। तुमने जितना लगाया था उससे कम मिला तो फिर काय का गेन? फिर तो लॉस हो गया। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना, राइट। उसके बाद में
9 बी क्या कहता था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट अगर रिसीव्ड हुआ होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल, इसमें से 45(4) में जितना आया था वो माइनस कर कैश। आहो चलो जी, मार्क दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। इज दिस डन? सेक्शन 50 के टाइम पे लिखिए रेफर पीजीबीपी, रेफर पीजीबीपी। चलिए कुछ केस लॉस जिसमें से हम लोग ऑलरेडी आधे केस लॉ पढ़ चुके हैं। पहला कमल वाला, बताइए कैन एग्जम्पशन बी विड्रॉन ऑन द ग्राउंड दैट न्यू फ्लैट वॉज परचेज इन द नेम ऑफ वाइफ? नो, यू विल गेट द एग्जम्पशन, यू विल गेट इट, येस और नो। दूसरा बताइए, दो एडजेसेंट फ्लैट लिया, बीच की दीवार हटा दी, एग्जम्पशन मिलेगा? इट वॉज हेल्ड इन सैयद अली आदिल केस, यस। बताइए मैंने को ओनर से उसका शेयर ले लिया, क्या एग्जम्पशन अंडर 54 मिलेगा? यस, आप ले तो प्रॉपर्टी ही रहे हो। सीआईटी वर्सेस अरविंद रेड्डी। गुरनाम सिंह, कैन एग्जम्पशन अंडर 54 बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स दैट असेसी इज को ओनर? बताइए आपने एक प्रॉपर्टी बेची, जो नई प्रॉपर्टी ली हुई को ओनरशिप में ली, क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगा? यस। हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में क्या किया गया था? हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में ये कहा गया था कि हमने 54EC का बॉन्ड विद इन 6 मंथ्स अप्लाई कर दिया, लेकिन बॉन्ड जो इशू हुआ वो आफ्टर 6 मंथ्स हुआ कंपनी के द्वारा, क्या एग्जम्पशन मिलेगा? यस मिल जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट तो 6 मंथ के अंदर ही हुआ था, यस और नो। अच्छा जी, 54G में अगर आपको याद हो तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी। अब प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअली खरीदी नहीं, लेकिन उसके लिए एडवांस दे दिया, क्या तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा? यस। ये सारे केसेस आपके हुए हैं, बहुत करीब हूं मैं खत्म करने के, सिर्फ लास्ट के दो सेक्शन, सर अब भी बच गए। अरे छोटे से आपने पढ़ लिया है, सिर्फ सुन लो। 13.19, 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है, बोल बेटा टैक्स रेट क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का है, मतलब जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आता है। चल ले जल्दी से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इक्विटी ओरिएंटेड फंड, शॉर्ट टर्म पे 15%, अदर इनकम पे एप्लीकेबल रेट। दूसरी बात, स्पेशल एडजस्टमेंट, याद करो अगर मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट खत्म हो चुका है एंड आई हैव स्पेशल इनकम, क्या स्पेशल इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए यूज कर सकता हूं? यस, इफ इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग रेसिडेंट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? रेसिडेंट, यस। एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, देन कैपिटल गेन कैन बी एडजस्टेड एंड बैलेंस इनकम विल बी टैक्सेबल एट 15%। लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि भैया चैप्टर 6A के डिडक्शन काय में से नहीं मिलते, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलते, पूरे कैपिटल गेन हेड से ही चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते। डन है मालिक? कसम से सेकंड लास्ट थिंग, सेक्शन 112 पक्का पक्का, सेकंड लास्ट थिंग। इतना पढ़ लिया इतने से के लिए क्या? हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन याद करके देखो, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% अदर इनकम पे एप्लीकेबल रेट, प्लस आपके लिए स्पेशल एडजस्टमेंट भी है अगर आप रेसिडेंट है तो। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% अदर इनकम पे एप्लीकेबल रेट। अगर आप नॉन रेसिडेंट है, जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 10% हो जाएगा अगर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 अप्लाई हुआ। कुछ याद आ रहा है क्या? यही तो धोखा था जो किया गया था उनके साथ, 20 के जगह 10 विदाउट इंडेक्सेशन। अदर एसएससी हो लॉन्ग टर्म पे 20%, अदर पे एप्लीकेबल रेट। भैया चैप्टर 6A डिडक्शन नॉट अवेलेबल, चैप्टर 6A का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, खत्म। पक्का सेकेंड लास्ट? नहीं नहीं लास्ट। सेग्रीगेट पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग, लिखो बाजू में रिफर सेपरेट चैप्टर, इसको सेपरेटली बताया मैंने, रिफर सेपरेट चैप्टर एंड दाउ कैपिटल गेन इज ओवर।
चलिए, कितने टॉपिक हुए यहां तक के फास्ट ट्रैक में विथ क्वेश्चंस? करीब करीब अपन ने 15-20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि ज्यादा, क्लास में ज्यादा कर लिए कितने? फिर भी लगभग टेंटेटिवली 20 के तो कंफर्म ऊपर है ना अपन। चलो, कितने टॉपिक हुए हैं? बेसिक, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, सर्च एंड सीजर, बराबर, क्लबिंग, कैपिटल गेन्स। 9 चैप्टर हो गए भाई जी। कितने चैप्टर हो गए? 9, 9 चैप्टर्स हो गए। कल का टारगेट क्या है? कल का टारगेट नहीं, कल का टारगेट पहले एक छोटा सा हेड निपटा देते हैं। IFOS छोटा सा हेड है, कल ही खत्म हो जाएगा। उसमें भी मेन दो चीज पढ़नी है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। यस, ये दो चीज अपन ने पढ़ी, मतलब एक और हेड खत्म हो गया। उसके बाद पबजी शुरू करेंगे। ये सुनो, चलो जी, धन्यवाद आपका, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा मालिक। यस, आज का होमवर्क ये है, कैपिटल गेन के जितने बचे क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लेना, कोई डाउट होगा तो बता देना, ठीक है मालिक? चलो, बाय बोलो बच्चों।